على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Okay, yesterday we started the topic of the early life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and we have already covered the topic, two topics out of them. Number one, upbringing by Hazrat Halima Sadia radhiyallahu ta'ala anha, and number two, meeting with Bahira. ये मुझे याद है, बहिरा के पॉइंट्स हमने नहीं लिखे थे क्योंकि बहिरा के पॉइंट्स में एक डिटेल डिस्कशन बीच में आनी थी, तो उस वजह से मैंने इन पॉइंट्स को कैरी फॉरवर्ड किया था आज की क्लास के लिए. तो वी आर अबाउट टू डू दैट. और जिन लोगों का मिस हो गया कल की क्लास का सेशन, तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो, क्योंकि अब तो मैं यूज टू हो गया हूँ क्लास के एंड में उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो बफरिंग वगैरह होती है, उसके बाद मैं उसको सेव करके जो है अपने स्टडी रूम से बाहर जाता हूँ. अच्छा, बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम द स्टूडेंट साइड एंड फ्रॉम द पेरेंट्स साइड, कि व्हेन आर वी गोइंग टू कंडक्ट द फर्स्ट एग्जामिनेशन या व्हेन आर वी गोइंग टू कंडक्ट द फर्स्ट असेसमेंट. मैंने कल भी इस बात को एड्रेस किया था, मैं आज भी बता रहा हूँ कि सर जूम के थ्रू या किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू एग्जाम लेने पे चीटिंग होने के चांसेस ज्यादा हैं, और फिर हम आपको जो मार्किंग करें तो उसके ऊपर जो है वो पहला हमारा स्टार्ट ही बहुत अजीब वाली मार्किंग से हो, तो वी डू नॉट वांट टू टेक अ चांस. और 15 सितंबर में मोस्ट मतलब चांसेस बहुत हाई हैं. आज भी जो है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें भी इन्होंने जो है वो डेट्स को जो है और ज्यादा जो है वो कंक्लूसिव जो है उसको इलाबोरेट किया है, क्योंकि 7th को फाइनल अनाउंसमेंट करेंगे. तो जब 15th को हम वापस आएंगे कैंपस में, तो मैं जाहिर सी बात है उसको एग्जाम दे दूंगा आपके. तो अभी फिलहाल एग्जाम की ज्यादा टेंशन ना लें, लेकिन एक बात वो ये है कि अब हम अनकरीब हमारी मुलाकात होगी, हम जो है बातचीत करेंगे. तो आई एम नोन कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, बहुत सख्ती करता हूँ, किसी को भी खड़े खड़े किसी को भी बेइज्जत कर देता हूँ. सो कुछ सदाकत भी थी इस बात में, थी, अब तो नहीं है, क्योंकि एक जमाना था, ज़ाहिर है उम्र कम थी, जवानी का जोश ज्यादा था, और जो है वो प्रेशर भी बहुत ज्यादा था, सेक्शंस बहुत पढ़ाता था, वर्कलोड को डिवाइड नहीं किया हुआ था, विजडम और इंटेलेक्चुअल लेवल इतना ज्यादा नहीं था. तो फिर उस दौर के कुछ एक दो वाकयात को लेके लोग ऐसे कमेंट करते हैं, और जो आपके जो है वो सिबलिंग्स जिन्होंने उसे पढ़ा होगा वो यही बात करते हैं कि जी सर खुरम बहुत सख्त हैं और ऐसे डांटते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे जलील कर देते थे, अब नहीं होता ऐसा. और लास्ट ईयर कोशिश यही की गई, जब कोई क्राउड जब बड़ा होता है तो क्लासेस में मसला ऐसा आता है, तो फिर हम उन बच्चों को जो है वो यही कह दिया करते हैं कि बेटा बस आप क्लास से बाहर चले जाएं. तो उसको डांटना या उससे झगड़ना या उससे आर्ग्यू करना या उसका दिल तोड़ना या उसकी इंसल्ट करने से बेहतर यही कि हम ऐसा काम ना करें. और ये स्पेशली तब से हुआ सिंस आई बिकम फादर, और आयजा के बाद काफी ज्यादा तबीयत में नरमी आई, क्योंकि अपने बच्चों की जब परवरिश करते हैं तो वो बहुत ज्यादा पेशेंस बिल्डअप होता है बंदे की तबीयत में, और रूहान के पैदा होने के बाद तो बिल्कुल ही तबीयत ठंडी हो गई है. लेकिन इसका मतलब ये है कि मैं ये एनालाइज कर गया हूँ कि एवरी इंडिविजुअल ऑब्वियसली ही और शी डिजर्व्स यू नो रिस्पेक्ट, बिकॉज सबकी अपनी अपनी सेल्फ एस्टीम है. और अगर कोई शख्स जो है वो बाउंड्री क्रॉस भी कर रहा है तो आप उसको अदब से और उसको शायस्तगी से समझा सकते हैं. एंड आई एम बिकमिंग अ स्टॉन्च बिलीवर ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्टर एज वेल. तो इस पूरी सूरत हाल में मैंने फिर उसके और तरीके का इख्तियार करना शुरू किए हैं. अब क्योंकि हम लोग अभी तक मिले ही नहीं है और मैंने आपसे इस तरह से कोई बात की नहीं है, अनकरीब मुलाकात होगी तो फिर हमारा वो रिलेशनशिप उस तरह से बिल्डअप होना शुरू होगा. और ये वाली क्लासेस में कभी डांटने की जरूरत पड़ती भी नहीं, यहाँ पर कोई डिसिप्लिन इशू आता नहीं है, पर फिर इशूज आएंगे. तो हम उसको पहले से ही इस बात को समझें कि भाई मैं यहाँ पर बिलीवर इस बात का हूँ कि यू डिजर्व योर सेल्फ रिस्पेक्ट, यू हैव योर सेल्फ रिस्पेक्ट, यू डिजर्व अ लॉट ऑफ रेवरेंस एंड रिस्पेक्ट, एंड साइमल्टेनियसली मी एंड माय टीम आल्सो डिजर्व द सेम थिंग्स. तो हम इस सुविधा को, इस रिलेशनशिप को स्टार्ट ही ऐसे करें और आगे इसको ऐसे ही लेके चलें तो ये ज्यादा बेहतर बात होगी. तो ये सारी बातें आपसे करने की बुनियादी वजह ये कि रिसेंटली जो आप लोग हमें सुन रहे हैं, आप में एक किसी स्टूडेंट ने हमें ज्वाइन किया है और उन्होंने मुझसे पहले वर्कबुक की कॉस्ट पूछी, तो मैंने उनको व्हाट्सएप पे जवाब दिया जी 2000 रुपये कॉस्ट है. फिर मैंने उन्होंने मुझसे एक वॉइस नोट उन्होंने मुझे भेजा, तो पता नहीं शायद वो बात ही ऐसे करते होंगे और उनका जो है वो अंदाज बहुत कैजुअल था और वो मुझसे विदाउट ड्यू रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट बात कर रहे हैं. आई डोंट नो, क्योंकि फ्रेटर्निटी और टीचिंग फैकल्टी और ये जितने भी एजुकेशन से मेरा ताल्लुक ज्यादा है, जब टीचर की एज कम होती है वो तो स्टूडेंट के साथ यारों जैसा रहता है, टीचर की एज बड़ी होती रहती है तो वो डिस्टेंस मेंटेन करता है. पर मेरी जब एज कम भी थी और मेरा और स्टूडेंट का एज गैप कम था, मैं तब भी यार नहीं था बच्चों का और मैं अब भी यार नहीं बच्चों का, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ और मैं यहाँ थोड़ा सा फॉर्मेलिटी के साथ चलने का थी. तो मैं आपको ना आप बोलने पर ज्यादा पसंद करता हूँ, और मेरी जब टीम का मेंबर मेरे स्टूडेंट्स को तुम करके बात करता है तो मैं पीछे उनसे झगड़ा करता हूँ इस बात पे कि मैं जब आप बोलता हूँ स्टूडेंट को तो आपको भी आप ही बोलना है, आप तुम करके बात ना करें, ये कम शाइस्ता लगता है, आप इसको जो है वो और अदब से बात करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा. तो स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं, कई लोगों ने भी किए, लेकिन आज एक अजीब से उनका अंदाज था बात करने का, शायद वो अभी तक समझे नहीं मिजाज क्या है. तो उनके रेफरेंस से मैं सबको समझाना है कि देखिए यार बात यहाँ रहेगी इज्जत की,
हम खूब इज्जत आपकी आपको देंगे, आप खूब इज्जत सबको देंगे, और यही इस्लाम को पसंद है, यही पाकिस्तान को पसंद है, और दिल को भी यही पसंद आता है। तो बस कोशिश ऐसी रहेगी, और आगे मेरी भी कोशिश ऐसी है कि क्लैश ही ना आए कोई, क्योंकि बिहेवियरल कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं और उसको डील कैसे करना है उसके लिए टॉलरेंस है, पेशेंस है। सूरह आले इमरान की आयत है, अल्लाह लव्स दोज हु आर पेशेंट, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह को ज्यादा महबूब है, अल्लाह प्यार करते हैं उन लोगों से लोग सबर करते हैं। लेकिन फिर जाहिर डिसिप्लिन है, पढ़ाना भी है, तो उसमें हम उस दहलीज पे पहुंचे नहीं कि जहां पर जो है वो हमें कोई ऐसा मामला करना पड़े। तो इस पूरी सूरत-ए-हाल में प्लीज आप जो है इस बात को अंडरस्टैंड करें कि आप अगर वॉइस नोट आपको नहीं समझ में आती, आप वॉइस नोट ऐसा नहीं भेज सकते इसमें आप जो है वो अदबी अंदाज से बात कर सकें, तो आप टेक्स्ट मैसेज कर दिया करें, मैंने जवाब तो देना है। अब उस बच्चे का सवाल का जवाब भी मैं दे दूं, क्योंकि मैं वॉइस नोट सुनने के बाद थोड़ा सा डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ, मैं उसको क्या जवाब दूं, दिल तो कर रहा था उसको डांटू, लेकिन मैंने फिर सोचा कि देयर इज अ बेटर वे ऑफ डीलिंग विद दैट, दैट्स द बेटर वे व्हाट आई विल राइट नाउ। तो वो पूछना ही चाह रहे हैं, जो कि आप में भी नए स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, ही पोस्ट अ क्वेश्चन जो बहुत अच्छे अंदाज में नहीं उन्होंने उससे पूछा, मेरे जो है वो रिस्पेक्ट के फॉर्मूले के हिसाब से, वो जानना चाह रहे हैं कि मैं नया स्टूडेंट हूं और मैंने आपको रिसेंटली ज्वाइन किया है और मेरे जो टॉपिक्स में से हो गए उसका क्या होगा। तो उसके जवाब दिए हैं, नंबर वन, देयर आर टू ऑप्शंस, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड वन चैप्टर, दैट इज चैप्टर कुरान, बिकॉज वी स्टार्टेड फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई, तो आपका चैप्टर कुरान जो है उसकी रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी उस वन ड्राइव के फोल्डर पे मौजूद है, एक्सेस नहीं मिला तो आपको दो दिन के अंदर एक्सेस मिल जाएगा। सेकंड ऑप्शन वुड बी कि व्हेन वी विल बी बैक टू द फिजिकल क्लासेस बिफोर योर मिड टर्म एग्जामिनेशंस, जब दिसंबर में क्लासेस होती हैं तो हमारे पास दिसंबर में मॉर्निंग और इवनिंग का लोड थोड़ा कम होता है, तो फिर मैं उसमें जो है वो चैप्टर पूरा पढ़ाता हूँ किसी एक जगह पे, तो स्टूडेंट को ट्रैवलिंग का जो है वो हेडेक बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन ट्रैवल करके वो उस क्लास में दे सकते हैं। और फिर फाइनल एग्जाम से पहले यानी मार्च में एटलीस्ट जो है वो मैं इस चैप्टर को दोबारा पढ़ाता हूँ, तो चैप्टर कुरान जिसका मिस हुआ उसका प्रॉब्लम ये है। दूसरा इसका सलूशन ये होता है फिजिकल क्लासेस में कि हम जब किसी कैंपस में होते हैं इस पर, लेकिन ये गुलशन के अलावा कहीं और ऑप्शन नहीं आ रहा होता, क्योंकि मेरा सेक्शन ए एंड बी के बाद सी एंड डी भी स्टार्ट होता है, तो फिर स्टूडेंट जो ए और बी के होते हैं वो वहीं क्लास में बैठे रहते हैं और सेक्शन सी और डी में बैठ के वो पूरा चैप्टर जो है वापस ग्रो थ्रू कर सकते हैं, और जिसका दिल करे वो बैकअप की क्लास ले सकता है। तो आई विल बी शेयरिंग स्केड्यूल विद यू गाइस, जो लेट आ रहे हैं वो भी अपने स्टूडेंट है, और जो रिकॉर्डिंग पिछले सालों में तो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं था, अब ऑप्शन मौजूद है, किसी के पॉइंट्स मिस हो चुके हैं तो पीडीएफ फाइल्स मौजूद है। ये बात खत्म हो गई, अब अपनी गुफ्तगू आगाज करते हैं, क्योंकि कल हमने जो है वी हैड अ डिस्कशन ऑन प्रॉफिट पीस अपॉन हिज मीटिंग विद बहीरा व्हेन प्रॉफिट वाज 12 इयर्स ओल्ड। मैं इससे पहले आगे जाऊं, मुझे बस दो तीन सवालों का जवाब दे दो, तो फिर मुझे ये इस बात की श्योरिटी मिली कल की कुछ बातें आपको याद रहेंगी। नहीं, फिजिकल क्लासेस के टाइम पे ज़ैनब हम रिकॉर्डिंग्स नहीं देंगे, उस वक्त बस पेंडेमिक खत्म, ये चिल्ड्रन सीन खत्म। अच्छा, अब मुझे बताओ कि बहीरा जो आदमी जो शख्स है, ही वाज अ क्रिश्चियन मंक, मुझे ये बताइए बहीरा का रियल नेम क्या था। सो आई वुड लाइक टू सी आपको कल की क्लास में क्या याद है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, जुर्जेस वॉज द रियल नेम ऑफ बहीरा। अच्छा, आई ऑल्सो वुड लाइक टू आस्क, बहीरा वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी प्रीस्ट एक्चुअली, बहीरा वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रीस्ट। इसका एक लाइन में जवाब चाहिए, वाई बहीरा वॉज अ स्पेशल प्रीस्ट, वाई वॉज सो स्पेशल। तो हो सकता है मोस्ट ऑफ यू नो द आंसर, लेकिन उनको लिखना नहीं आ रहा हो, तो आई वुड लाइक टू सी कोई एंसेस्टर्स बोल रहा है, कोई फैमिली बैकग्राउंड बोल रहा है। वन लाइन आंसर वुड बी, अभी याद कर लो और यही टाइप करके भेज दो, बहीरा वॉज द स्पेशल प्रीस्ट बिकॉज ही इनहेरिटेड प्रीस्टहुड फ्रॉम हिज एंसेस्टर्स, He inherited priesthood from his ancestors. ठीक है जी, ये उसका जवाब होगा। High knowledge नहीं, high knowledge तो बहुत सारे priests की थी। He inherited that because on the time of Isa alayhi salam, all his ancestors belonged to the priest class. एक बार बताइए कि Prophet was going from Makkah to Syria. कल मैंने बताया था कि summers में caravans जो हैं वो Syria की तरफ होते थे और वहाँ से buying होती थी। Winters में caravans कहाँ जाते थे? In summers the business caravans used to go to Syria. In winters the caravans used to go to Yemen. जज़ाकअल्लाह, बहुत-बहुत जबरदस्त मजा आ गया। मुझे ये बताइए कि when Prophet was going from Makkah to Syria, बहीरा से मुलाकात किस जगह पर हुई थी? What was the name of the place where Prophet and Hazrat Prophet and Bahira met? That place is known as Basra. And there was a thing behind the back of Hazrat Muhammad peace upon him, which Bahira said that it looked like an apple shape. क्या बोलते हैं उसको? Apple नहीं था क्या? क्या बोले सलीम फिरोजी? सेब था क्या कमर पे? Satanic beak nahi tha beta, it was the mark of prophethood. So there was something behind the back of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and Bahira said that it was between the two shoulder blades of prophet, peace be upon him. It was more like an apple shape. Uska shape apple jaisa tha. Hazrat Ali keh rahe it was like a pigeon's egg. Hazrat Ali ne bhi usko dekha tha ek zamane mein. Aur ek sahabi Hazrat Sahib hai, wo keh rahe it was like the button of the tent.
तो बाहर सब लोगों ने शेप्स बताए, लेकिन एवरीबॉडी वुड लाइक वांटेड टू से कि वो था एक सर्कल था एक पिरामिड। तो उस माँ को प्रॉफिट हुड को एक बच्चे ने कल जब मैं पढ़ा रहा था उसने लिखा एंड आई वाज वेरी हैप्पी एंड प्लीज कि उसको माशाल्लाह से ये बात पहले से मालूम थी लेकिन मैं उसको क्लास में यूज नहीं करता। उस बच्चे ने लिखा था कि इट वाज द सील ऑफ प्रॉफिट हुड। अब वो सील ऑफ प्रॉफिट हुड हम उसको या सील ऑफ प्रॉफिट्स उसको प्रॉफिट हुड इसलिए नहीं बोलते क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक स्टेटस भी है। हजरत मोहम्मद इज अ सील ऑफ प्रॉफिट ना। तो तीन चीजें समझना, प्रॉफिट यूज टू वेयर अ रिंग। On that ring, there were three letters printed or embossed, and they, these three letters were Allah, Rasul, and Muhammad. Usko ulta padhe to bata hai Muhammad Rasulullah. That was the ring. When the Prophet used to dispatch or send letters to the kings and the rulers and the emperors, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ring se usko stamp lagaya karte the. To ye jo thi, isko bolte hain seal of Prophet. Ab ye seal of Prophet to hai, lekin phir seal of Prophets to ye Prophet ut to ye bhi hai, aur Prophet khud bhi seal of Prophets hai. तो ये भी सील ऑफ प्रॉफिट कहलाती है यानी प्रॉफिट मोहम्मद। ये सील ऑफ प्रॉफिटहुड कहलाती है और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं अना खातिमुन नबीजीन आई एम द सील ऑफ प्रॉफिट्स। तो मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों को डिवाइड किया हुआ है। तो कई बच्चे ने कल बोला सील ऑफ प्रॉफिट वॉज राइट आंसर लेकिन वी आर नॉट गोना डू दैट। हम इन तीन चीजों को सेपरेट लेके चलेंगे ताकि कई वर्ड्स में कंफ्यूजन ना आए। What was imposed on Prophet's ring and then Prophet was using it as a stamp, so we would call that ring jis pe Prophet usko stamp ke taur pe, we would call it stamp of Prophet. So what was behind the back of Nabi Islam, we call it the mark of Prophethood. Seal bolenge to seal mein aapko samajh nahi aayegi, kyunki past verses mein seal ke naam se question aata hai. And Prophet Muhammad himself is a seal of Prophets because he is the last Rasul of Allah as mentioned in Surah Ahzab chapter 33 verse number 40. तो ये गुफ्तगू जो है मैं कल की बात से बारे में पूछनी आपसे, तो पॉइंट्स रह गए थे, पॉइंट्स लिखेंगे और मैं पॉइंट्स के बीच में रुक जाऊंगा आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करने के लिए। तो कल की आपकी मीटिंग जो मीटिंग विद बहेरा की थी इसका लेक्चर हो चुका है, पॉइंट्स इसके आप लिखना शुरू करें फिर हम बात करते बहेरा मेट प्रॉफिट एट बसरा। अभी मैं पॉइंट्स लिखवाऊंगा उसमें क्लियर हो जाएगा जिसको कोई कंफ्यूजन है सवालों पर। देखिए नंबर वन, हजरत अबू तालिब मीटिंग विद बहीरा की हेडिंग देनी, चलो मैं हेडिंग भेज देता हूं पहले। मीटिंग विद बहीरा ये हेडिंग थी कल की, ठीक है वो। मीटिंग विद बहेरा की हेडिंग है, स्क्रीन वापस आ जाएगी, आप लोग लिखते हैं। नंबर वन है हजरत अबू तालिब वॉज अ परफ्यूम एंड क्लोथ मर्चेंट। हजरत अबू तालिब वॉज ए परफ्यूम एंड क्लोथ मर्चेंट। वॉज अ परफ्यूम एंड क्लोथ मर्चेंट। When Prophet Muhammad peace be upon him was 12, Hazrat Abu Talib decided to go on a trade journey to Syria. Prophet peace be upon him requested to accompany him. Hazrat Abu Talib initially refused, later agreed. बहुत सारे स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग में बोलते हैं सर रिकॉर्डिंग में आप चैट ग्रुप में टाइप कर रहे थे वो हमारी स्क्रीन पे नहीं आ रहा था, तो फिर उसके लिए फिर मैंने पीडीएफ फाइल जो है वो भी शेयर की होती है वन ड्राइव के फोल्डर में, तो जिसको चैट ग्रुप के पॉइंट्स नहीं मिल रहे होते ऑब्वियसली तो उसको मैंने सेपरेटली टाइप करके दिया हुआ होता है, आप उसमें भी देख सकते हैं। Hazrat Abu Talib initially refused, later agreed. They stopped at Basra. तो दे में यहाँ पर तीन लोग थे, हजरत मोहम्मद, हजरत अबू तालिब और तीसरे थे अदर मक्कर मर्चेंट से जो कि हजरत अबू तालिब और प्रॉफिट के साथ गए इस जर्नी में। They stopped at Basra. की बात लिखना है introduce बहीरा
By the introduction, you would mention that Bahira was his real name was Jurjais, and he was an extraordinary priest because he inherited priesthood from his ancestors, and by religion he was a Christian, and he had the knowledge of Torah and Injil both. So point number 7, introduce Bahira ki baat. Bahira observed. String signs. Bahira observed strange signs in the group of Makkans. Bahira observes strange signs in the group of Makkans, bowing of trees and stones, a small crowd and turning of branches. So, if you remember that when the group was entering the city of Basra, Bahira saw the trees and stones, they were prostrating to that group. Obviously, all that prostration was for Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahira also saw a small cloud was moving with that group and shadowing the group. And then he saw when Prophet Peter was sitting under the open sunlight, the branches turned their direction and they bowed as in order to shadow Hazrat Muhammad, peace be upon him. Bahira wanted to pinpoint the person ki sare signs kiske liye ho rahe, that's why Bahira would like to meet the person and wanted to ask you questions. So Bahira invited Makkans for a meal. Bahira invited Makkans for a meal. Makkans left Prophet Muhammad peace upon him behind. Makkans left Prophet peace upon him behind. Bahira requested to bring Prophet. Bahira requested to bring Prophet Muhammad peace be upon him sallallahu alaihi wasallam. बस यहाँ पर मुझे आपसे जो है वो डिस्कशन जो करनी है वो आप यहाँ तक पॉइंट नंबर 12 तक दिखेंगे अभी कंप्लीट नहीं है लेकिन आई वांटेड टू हाईलाइट फ्यू थिंग्स ओवर हियर क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अमेजिंग सवाल या एक जेन्युइन किस्म का सवाल बनता है फ्रॉम द स्टूडेंट साइड और वो सवाल अगर जहन में नहीं भी आया तो इन्फॉर्मेशन समझना बहुत जरूरी है एंड दैट इज द पर्टिकुलर रीजन कि मैंने कल ये पॉइंट्स जो है वो नहीं लिख पाया वरना 5 मिनट लगते क्योंकि डिस्कशन इसमें थोड़ी सी करनी थी सो प्लीज कीप ऑन टाइपिंग डन व्हेन यू आर डन ताकि फिर मैं फौरन से अपनी डिस्कशन स्टार्ट करूं
जी पॉइंट नंबर 11 अलीबा समझ में आ जाएगा, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन। जी मिर्जा पीडीएफ अवेलेबल इसलिए नहीं होगी कि आई डू नॉट शेयर पीडीएफ अंटिल आई फिनिश द टॉपिक, सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू फिनिश द टॉपिक जो कि आज खत्म हो जाएगा, तो आज इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। टॉपिक खत्म वरना सब लोग आगे के पॉइंट्स देख के बोलेंगे चल भाई छुट्टी कर सर की अपने पॉइंट्स पढ़ लिए। इस बार अपब्रिंगिंग ऑफ हजरत हलीमा के पॉइंट्स कल पढ़ा दिए हैं, लिखवा दिए हैं, अगर आपसे मिस हो गई कल की क्लास तो फिर आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा और पीडीएफ आज उसमें आ जाएगी तो वहां से देख लीजिएगा। अच्छा अभी टाइपिंग बंद करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। स्टूडेंट्स ऑफन दे कम टू मी एंड दे से दैट कि सर एक बात बताइए, हजरत मोहम्मद वाज ओनली 12 इयर्स ओल्ड और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आके बहिरा ने बोला कि मोहम्मद आई वुड लाइक टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम यू इन द नेम्स ऑफ लात एंड उज्जा। आई टोल्ड यू यस्टरडे लात एंड उज्जा वर द सीनियर मोस्ट आइडल्स इन द कंसीडर्ड एज द सीनियर मोस्ट आइडल्स इन द लैंड ऑफ अरबिया, और क्योंकि जो पॉलीथीस आइडल वर्शिपर उस टाइम के वो 360 आइडल्स की जो पूजा करते थे उनमें सबसे सीनियर दो आइडल्स लात और उज्जा थी, और पॉलीथीस की निशानी ये थी यानी जो आइडल वर्शिपर्स थे उस टाइम के जिनको पैगन्स भी बोलते हैं, ये लोग जो थे ये कभी भी लात और उज्जा की झूठी कसम नहीं खाते थे। तो लात एक आदमी का नाम था, वो हाजी जब आते उनको सत्तू पिलाता था, तो ही वाज अ वेरी यू नो जनरस पर्सन। तो लात ने नहीं किसी को आइडल वर्शिपिंग की तालीम दी थी, लात जब मर गया लोगों ने उसकी याद में उसको मिस करते हुए उसका जो है वो उसका पुतला बनाया, और कुछ लोगों ने उस पुतले से बातें करना शुरू की और बाद में उससे फरियादें और बाद में उसकी इबादत पर पूजा शुरू हो गई। तो लात एक आदमी का नाम है और जो हाजियों को सत्तू यानी कि एक शरबत पिलाया करता था। तो लात और उज्जा सीनियर मोस्ट आइडल्स हैं। बच्चा सवाल ये करता है कि सर देखें व्हेन बहिरा आस्क प्रॉफिट क्वेश्चन द नेम्स ऑफ लात एंड उज्जा, तो प्रॉफिट ने जवाब दिया था डू नॉट आस्क मी एनी क्वेश्चन बाय दीज नेम्स आई स्वेयर टू अल्लाह आई हेट देम द मोस्ट। तो स्टूडेंट कहता है कि सर खुदा बड़ी कंफ्यूजन फैल रही है, प्रॉफिट पीस अपॉन हिम अभी नबी नहीं बने हैं, वो तो नबी बनेंगे 40 साल की उम्र में, फिर अल्लाह पाक उनसे बात करेंगे और नबी अलैहिस्सलाम की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी, फिर प्रॉफिट भी हमने अभी से अल्लाह को कैसे जानते थे, फिर प्रॉफिट ने अल्लाह की कसम क्यों खा ली है। तो ये जो कन्फ्यूजन हैं इन कन्फ्यूजन को सॉर्ट आउट करना है। तो पहली गुफ्तगू सर यहाँ पर ये कि यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो कुछ बातों को समझ नहीं पा रहे होते, जिनमें से जो है वो पहली बात जो है वो हज से रिलेटेड है, दूसरी नमाज से रिलेटेड है, तीसरी आइडियोलॉजी से रिलेटेड है। तो जब प्रॉफिट पीस अपॉन वाज लिविंग इन द सोसाइटी ऑफ मक्का, मक्का की सोसाइटी में दो मेजर ग्रुप्स थे, एक ग्रुप था पॉलीथीस्ट का, दूसरा ग्रुप था मोनोथीस्ट का। अब मैं अगर बोलूंगा पॉलीथीज्म तो पॉली का मतलब होता है मैनी, और थीज्म को आप ले ले आइडियोलॉजी। सो अगर मैं बोलूंगा पॉलीथीज्म तो पॉलीथीज्म का मतलब होगा बिलीव इन मैनी गॉड्स, बहुत सारे खुदाओं की पूजा करने का नाम के रिलीजन को बोलते हैं पॉलीथीज्म, और ऐसा शख्स रहता है पॉलीथीस्ट। तो इंडिया वाले जो हैं दे आर पॉलीथीस्ट बिकॉज दे बिलीव इन 33 मिलियन गॉड्स, तो वो पॉलीथीस्ट हैं बिकॉज दे वर्शिप मोर देन वन गॉड। मोनो का मतलब इंग्लिश में होता है वन, और थीज्म को ले लो आइडियोलॉजी, तो मोनोथीज्म का मतलब होगा बिलीव इन वन गॉड। आप जल्दी से बता दो मैं और आप क्या हैं, मोनोथीस्ट हैं या पॉलीथीस्ट हैं, आप और मैं क्या हैं, वी आर द बिलीवर्स ऑफ मेनी गॉड्स या वन गॉड। वन गॉड, तो मैं और आप क्या हुए, मोनोथीस्ट, MONOTHEIST, और हमारी जो आइडियोलॉजी और रिलीजन है उसको क्या बोलते हैं, मोनोथीज्म। तो बिलीव इन वन गॉड और बिलीव इन मैनी गॉड्स। अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में दो तरह के लोग हैं, नंबर वन दोज़ हू बिलीव इन मैनी गॉड्स, नंबर टू दोज़ हू बिलीव इन वन गॉड। अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनका ताल्लुक जिस रिलीजन से है उसको भी दीन बोलते हैं, और प्रॉफिट अल्लाह को पहले दिन से जानते हैं, क्योंकि प्रॉफिट भी जो अल्लाह को मानते हैं और सोसाइटी का हर शख्स भी। अब एक बड़ा फर्क जो यहाँ पर मैनेज करना है वो ये कि इफ यू स्पीक अबाउट द पीपल लिविंग इन इंडिया राइट नाउ दे आर पॉलीथीस्ट, if you speak about the people living in 1440 years back, they're living in the society of Makkah, they were also polytheists, but there's a big difference between these two polytheists. By definition, believer of many gods is called polytheist. So India ka jo polytheist hai uske liye jo term use hoti hai hum usko bolte hain kafir. Kafir wo shakhs hota hai jo shakhs jo hai wo Allah ko manta hi nahi, lekin jab bhi aap baat karte ho Makkah ki to unke liye aapne jo terminology suni hai wo hai mushrikeen e Makkah. Mushrik is a person who believe in Allah, but with Allah he also believe in multiple gods. तो कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा काफरीन मक्का। आप मक्का के लोगों के बारे में जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बोलेंगे मुशरिकीन मक्का, इंग्लिश में आप उनको पैगन्स बोलते हैं। तो ये मुशरिकीन जो हैं ये इसलिए थे बिकॉज द पॉलीथीस लिविंग इन मक्का दे वर सो डिफरेंट फ्रॉम द पॉलीथीस लिविंग राइट नाउ इन 2020 इन इंडिया। इंडिया का पॉलीथीस काफिर है, वो 33 मिलियन गॉड्स को मानता है या एटलीस्ट 3 मूर्ति को मानता है, 3 गॉड्स की पूजा करता है, लेकिन वो अल्लाह को नहीं मानता तो वो काफिर है।
ये जो लोग थे मक्का के, ये लोग मुशरिक थे, मतलब they believed in one God, they believed in Allah, they believed in Hazrat Ibrahim alayhi salam, they believed in Sahifa Hazrat Ibrahim alayhi salam, जिसको सूरह आलम में लिखा है सहफ इब्राहिम व मूसा, सहीफा इब्राहिम पे भी इनका यकीन था, लेकिन other than that they also believe that there are associates of Allah like Lat and Uzza, so ye Allah ko mante the par Allah ke sath sath jo hai ye Allah ko bala kare aur bhagwanon ki pooja karte the, to ye kafir hi nahi the, ye mushrikeen the, kyunki mushrik aur kafir dono ke liye Allah ne faisla jahannam ka hi kiya hua. So Hazrat Ibrahim alayhi salam had two sons, number one Ishaq and number two Ismail. Hazrat Ishaq jo aapke bete the Hazrat Ibrahim ke, unki jab generation aage badhi usme se bahut sare rasool paida hue, Hazrat Suleiman the, Hazrat Daud the, Hazrat Yahya the, Hazrat Isa the, Hazrat Musa the. To ye Hazrat Ishaq se Hazrat Ibrahim ke jo bete the usse ek chain chali. Ek bete Hazrat Ibrahim ke Hazrat Ismail the, inki chain aur unki jo progeny hai, unki jo nasl hai aage, jo generation aage badhi, unme se ek hi rasool aaya, who is called Khatimun Nabiyyin, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To ye jo line thi Hazrat Ibrahim Ismail alaihi salam se, isme jo hai wo Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hai, isi mein Quraysh hai. तो आप बात करो कुरैश की, कुरैश 12 कबीले हैं, और कुरैश अगर 12 कबीले हैं तो कुरैश की जो कबाइल हैं इनका ताल्लुक किससे, हजरत इब्राहिम की नस्ल से, दे वर द प्रोग्नी ऑफ हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम. तो जितने भी मक्का के रेजिडेंट्स हैं, दे बिलीव्ड, दे न्यू देयर वाज इब्राहिम अलैहि सलाम, बिकॉज़ दे न्यू दे वर फ्रॉम द फैमिली ऑफ इब्राहिम अलैहि सलाम, दे न्यू इन द सहीफा ऑफ इब्राहिम अलैहि सलाम, एंड दे बिलीव्ड इन अल्लाह एज़ वेल. और ये सिर्फ अल्लाह को नहीं मानते थे, बल्कि ये अल्लाह का जो घर हजरत इब्राहिम ने तामीर किया था काबा, उधर जाके तवाफ भी करते थे, उमरा भी करते थे, हज भी करते थे. अब हम थोड़ी देर के बाद, थोड़े अरसे के बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे, प्लेज ऑफ अकाबा. अकाबा का प्लेज हो रहा होता है, बच्चा पूरी स्टोरी सुन रहा होता है लेकिन बैठ के कंफ्यूज हो रहा होता है. भाई प्लेजेस ऑफ अकाबा में बोलते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हाजियों को जो है वो दावत देने के लिए. अब हाजी पॉलीथीस्ट था, आइडल वर्शिपर्स मक्का और काबा आते थे उमरा करने के लिए. आइडल वर्शिपर्स अल्लाह को भी मानते थे, तो हजरत इब्राहिम को मानते थे, उन्होंने काबा बनाया था, काबे के सामने वो सफा मरवा की सही भी करते थे, काबे के सामने वो तवाफ करते थे, मीना में रुकते थे, अरफात के मैदान जाते थे, जैसे हज होता है. तो वो जो हज था वो हज भी ये लोग किया करते थे, लेकिन बस फर्क ये है कि ये लोग उसके साथ साथ आइडल्स की भी तारीफ और पूजा किया करते थे. सो ये जो पॉलीथीस्ट है मक्का का, ये पॉलीथीस्ट मुशरिक है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से है, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जानते हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आइडियोलॉजी को भी फॉलो करते हैं, लेकिन जो उनकी आइडियोलॉजी के साथ साथ आइडल्स की भी वर्शिपिंग करते हैं, ये थे मुशरिक, जैसे कि नाम है अबू जहल. लेकिन जब बात आएगी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उनके खानदान के मेजोरिटी लोगों की, तो प्रॉफिट ऑफ पॉवर्टी खानदान के मेजोरिटी लोग सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते थे, और उस वक्त तो इस्लाम नहीं आया था, इस्लाम तो प्रॉफिट जब 40 होंगे तब आएगा. तो उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह को मानते थे और सिर्फ अल्लाह की इबादत किया करते थे, और प्रॉफिट पीस अपॉन हिम जिस मजहब को फॉलो करते थे, उस मजहब को हम लोग बोलते हैं दीन इब्राहिमी. और दीन इब्राहिमी के जो फॉलोअर्स थे इनको कहा जाता था हनफीस. तो उस वक्त के जो मोनोथीस थे ये कहलाते थे हनफीस, और हनफीस वो थे जो सिर्फ एक अल्लाह को मानते थे, आइडल वर्शिपिंग नहीं करते थे. तो नाउ प्रॉफिट इज 12 इयर्स ओल्ड, प्रॉफिट पीस अपॉन हिम मेजॉरिटी खानदान इज मोनोथीस्ट, एंड हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ बिलीवर ऑफ वन गॉड. तो दैट्स व्हाई प्रॉफिट पीस अपॉन हिम मेंशन दैट आई स्वेयर टू अल्लाह आई हेट लात एंड उज्जा द मोस्ट, बिकॉज प्रॉफिट लात और उज्जा को ना मानते थे बल्कि उल्टा उनसे नफरत करते थे, क्योंकि अल्लाह ने हर रसूल के दिल में आइडल्स के अगेंस्ट जो है वो नफरत डाल रखी है. तो बात समझनी है कि जनाब हज भी होगा, आइडल वर्शिपर हज भी करेगा, आइडल वर्शिपर अल्लाह की इबादत भी करेगा, अल्लाह की कस्में भी खाएगा. आगे आइडल वर्शिपर्स अल्लाह को रेफर भी करेंगे, लेकिन आइडल वर्शिपर अल्लाह को सिर्फ रेफर करेंगे इब्राहिम की नस्ल से होने की वजह से, ये सबको मानते हैं. तो अब दो ग्रुप से मक्का में, एक पॉलीथीस एक मोनोथीस. तो पाकिस्तान के मोनोथीस और इंडिया के पॉलीथीस उनको यहाँ से कंपेयर नहीं किया जा सकता, हाँ मोनोथीस को किया जा सकता क्योंकि हम वही आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं जो कि उस वक्त के लोग फॉलो करते थे. तो ये मोनोथीस से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी आइडियोलॉजी है, इसे प्रॉफिट अल्लाह की कसम खाएंगे. पॉलीथीस को ये होगा तो वो लात और उज्जा की कसम खाएगा. ये हो गया मामला, बड़ा सिंपल सा, बड़ा क्लियर सा. तो ये बात आपको समझानी थी. तो अब बहीरा का डायलॉग अगर आप देखें, सो बहीरा ने जब कहा व्हेन ही आस्क्ड क्वेश्चन द नेम्स ऑफ लात एंड उज्जा, प्रॉफिट रिफ्यूज टू आंसर बिकॉज प्रॉफिट वॉज नॉट अ पॉलीथीस. व्हेन बहीरा आस्क्ड क्वेश्चंस इन द नेम ऑफ अल्लाह, then Prophet answered the questions because Prophet was a pure monotheist. जो सिर्फ एक अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करते थे, ना किसी कभी इस मौके को एक लम्हे के लिए भी प्रमोट किया कि किसी और की इबादत होगी. तो बहेरा ने जानबूझ के सवाल पूछा था because बहेरा wanted to be certain कि अगर ये रसूल होंगे तो आइडल वर्शिपिंग के अगेंस्ट कॉमेंट करेंगे, अगर रसूल नहीं हुए तो फिर आइडल्स की कसम भी खा लेंगे और आइडल वर्शिपिंग की तारीफ भी करेंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ. तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 13. बहेरा also saw the mark of prophethood. Point number 13 आ गया. Bahira also saw the mark of prophethood.
Bahira predicted Hazrat Muhammad, peace upon him, was apostate. Bahira then predicted Hazrat Muhammad, peace upon him, was apostate. Bahira then predicted Hazrat Muhammad, peace upon him, was apostate. तो एक वर्ड है मैसेंजर, उसका सिनोनिम हमारे पास है प्रॉफिट, उसी को अरबी में बोलते हैं रसूल, और यही वर्ड को हम जब पढ़ेंगे इंग्लिश में भी तो एक और वर्ड उसके लिए मौजूद है अपोसल, टी साइलेंट है। तो मेरी क्लास में मैं आपको प्रॉफिट और कम बोलता हुआ, मैसेंजरशिप कम बोलता हुआ, अपोसलशिप ज्यादा बोलता हुआ नजर आऊंगा। तो मैं बोलूंगा अपोस्टल नहीं है, ठीक है, ये अपोसल है। अपोसलशिप का मतलब वही है जो मैसेंजरशिप का है, और मैसेंजरशिप का मतलब वही है जो कि मतलब है प्रॉफिट का। तो आप प्रॉफिट बोलो, मैसेजरशिप बोलो या अपोसलशिप, बात बिल्कुल सेम सेम है। और आप प्रॉफिट बोलो, मैसेजर बोलो या अपोसल बोलो, तो मेरे बोलते हुए क्योंकि मुझे अपोसलशिप बोलना आसान लगता है और लेक्चर में बोलने में उसमें आसानी रहती है, क्योंकि प्रॉफिट में थोड़ा रुकना पड़ता है, तो मैं यूजली अपोसलशिप यूज करता हूँ, जो अभी लास्ट पॉइंट पे भी आया। बहरा प्रेडिक्टेड हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिज अपोसलशिप, इंस्ट्रक्टेड हजरत अबू तालिब, इंस्ट्रक्टेड हजरत अबू तालिब टू प्रोटेक्ट प्रॉफिट फ्रॉम ज्यूज। Instructed Abu Talib to protect Prophet peace on from Jews. From Jews. Most likely you guys are on page number 4. So page number 4 pe hamari next heading aa jayegi, marriage with Hazrat Khadija. Jaldi jaldi shabash. Marriage with Hazrat Khadija Razi Allahu Ta'ala. जहां पर भी है व्हाटएवर पेज यू आर इन, को मसला नहीं है, और पेज कम भी पड़ गए तो बाद में आखिर में एक्स्ट्रा शीट्स भी लगी हुई है। भाई बात ये है कि एक चीज पे मुझे बड़ा एतराज है, और ऑब्वियसली व्हेन एनी ऑथर इज राइटिंग अ स्टोरी, तो उस ऑथर को स्टोरी लिखने में कहीं ना कहीं जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखना होता है, लेकिन इसमें एक बेहरमती हो जाती है, और स्टूडेंट्स जो है वो 15-16 साल के वो गलत चीज या कोई चीज जो है इनएक्यूरेट किस्म की इमेजिन करते हैं। तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू यू गाइस, भाई वो ऐसा लिखा हुआ आता है कि प्रॉफिट हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु मेट प्रॉफिट, शी हैड प्रॉफिट टू कंडक्ट बिजनेस इन सीरिया। And when Prophet conducted the business, Hazrat Khadija's slave Mayasra, he spoke highly about Nabi Islam. Hazrat Khadija was so impressed by Prophet's character and conduct that she proposed Hazrat Muhammad peace be upon him. अब ये बात सुन के थोड़ा सा बड़ा अजीब सा इमोरल किस्म का मूव लग रहा है कि जो हजरत खदीजा को प्रॉफिट पसंद आ गया, हजरत खदीजा ने प्रॉफिट को प्रपोज कर दिया। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिसिंग हो गई। पहली बात तो ये कि when Prophet Muhammad met Hazrat Khadija, तो Prophet peace be upon him was 22 years old. Hazrat Khadija hired Prophet for the first time. Business was a stunning success, and then Maisra praised Prophet's character. Then it happened multiple times. Prophet aur caravans Hazrat Khadija ke leke gaye, and Hazrat Khadija was gradually attracted towards Prophet. So ye nayi jawan nasal na yahan faisla le liye, love at first sight ho gaya, aur love at first sight hone ke baad hi foran se shaadi ho gayi. To ye jaldbazi ke faisle nahi hote, aur yahi hamare role models aur heroes hain jinse humne sikha hai. To story ko ya to agar likhna concise hai aapki marzi hai, par samajhna pura hai. So Hazrat Khadija Razi Allahu Ta'ala na 3 साल तक बिजनेस का मामला चलता रहा, बहिरा प्रॉफिट की मैसरा प्रॉफिट मोहम्मद की तारीफ करते रहे, एंड शी फेल्ट ग्रेजुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम। अब हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला ने डायरेक्टली चलते फिरते प्रपोज नहीं करती है, शी सेंट अ स्लेव गर्ल विद द नेम ऑफ नफीसा, एंड दैट स्लेव गर्ल नॉट शी हैडन गॉन टू हजरत मोहम्मद, शी वाज सेंट टू प्रॉफिट्स गार्जियन, प्रॉफिट्स बिलॉवेड अंकल नेम हजरत अबू तालिब। अबू तालिब ने प्रॉफिट से कंसेंट किया, और वो कंसेंट होने के बाद जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अग्री व्हेन ही शोड हिज कंसेंट एंड व्हेन प्रॉफिट गिवन अफर्मेटिव रिस्पांस, देन अबू तालिब अपने घर के बड़ों को ले जाके खदीजा के बड़ों में बात करते हैं, प्रॉफिट की तारीफ करते हैं, और इस बात को प्रूव करते हैं कि हाउ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वुड बी अ वेरी गुड रिश्ता, देन वुड बी अ वेरी गुड जो है वो हस्बैंड फॉर हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला ना, और फिर उसके बाद अबू तालिब जो है वो निकाह पढ़वाएंगे। एट दैट टाइम प्रॉफिट वाज 25 और खदीजा वाज 40। तो ये ग्रेजुअल मामला है, और उसके अंदर बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी के साथ निकाह हो रहा है, शादी हो रही है दो खानदानों के बीच में, और दो खानदानों में बात हो रही है,
और यही तरीका हमारे हीरोज हमारे मॉडल रोल मॉडल्स हमें समझ में आता है। तो हमने अक्सर जो है वो सोशल मीडिया पे भी लोगों को तमाशा करते देखा कि हजरत खदीजा ने पहाड़ को प्रपोज कर दिया था, तो जैसे हजरत खदीजा ने प्रपोज किया था वैसे लड़कियां प्रपोज कर लें और वो प्रपोज करने के लिए यही करें, जाके बताएं पापा को, पापा जो है वो लड़कियों से बात कर लें या फिर लड़के के खानदान वालों से बात कर लें, तो यूं तो लड़की जाके लड़के को प्रपोज कर देगी, ये तो फिर नामेरम वाला ताल्लुक है ना, उसकी तो इजाजत नहीं है, और लड़का जाके लड़की को प्रपोज करेगा। उन्होंने मूवी में देखा था, टीवी में देखा था कि वो लड़का आया मूवी लेके घुटने में बैठ गया, उसने कहा बिल्ली मेरी मिर्से का जी दफा हो जाओ और समथिंग लाइक दैट। तो ये तरीका अंग्रेजों का है, हमारा तरीका ये कि खानदानों के बीच में बात होती है और अगर किसी को कोई पसंद है तो उसका इजहार कर सकता है, जैसे कि अगर खदीजा रिट दैट, लेकिन उसके पीछे किस कदर हया थी, किस कदर हिजाब था, किस कदर पर्दा था, और बात प्रॉफिट से नहीं प्रॉफिट के बड़े बड़ों से की जो कि प्रॉफिट के लिए फादरली फिगर थे, नेम हजरत अबू तालिब। एनीवेज अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इफ वी आर गोइंग टू गो टू द चैप्टर नंबर 4 व्हिच इज बाय द नेम ऑफ द फर्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी में वी हैव अ बिग टॉपिक बाय द नेम ऑफ अज़वाजे मुतहरात बाय द नेम्स ऑफ उम्मातुल मोमिनीन बाय द नेम्स ऑफ द मदर्स ऑफ द फेथफुल, उसमें प्रॉफिट बियॉन्ड की हमें जो है 11 या 13 वाइव्स में जो हमें अकाउंट्स याद करने होते हैं, वहां पर हजरत खदीजा का जो अकाउंट आता है वो आता है फ्रॉम दी फर्स्ट मीटिंग ऑफ हजरत खदीजा टिल द प्रॉफिट पीस अपॉन टिल द डेथ ऑफ हजरत खदीजा। ये जो क्वेश्चन आया है बायोग्राफी में, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिर्फ प्रॉफिट की हजरत खदीजा से फर्स्ट मीटिंग से लेके शादी तक का अकाउंट लिखें। अब मैं आपको पहले यहाँ शादी तक का अकाउंट पढ़ाऊं जो कि मैंने आपको हल्का फुल्का सुना दिया है, तफसील को छोड़ दिया मैंने उसमें, और फिर मैं वहां को दोबारा अकाउंट पढ़ा के दोबारा लिखवाऊं और फिर जो है हजरत खदीजा की डेथ तक का अकाउंट बताऊं तो ये रिपीट हो जाएगा। इसलिए हम बायोग्राफी में ये क्वेश्चन आ सकता है पर हम इसको पढ़ेंगे यहाँ पर नहीं, हम ये पूरी दास्तान हजरत खदीजा की डेथ तक की जो कि ईयर ऑफ ग्रीफ 1980 कहलाता है, we are going to cover that story in chapter number 4 that is the first muslim community, uske portion azwaja the mothers of the faithful mein padha jayega, isse please abhi heading dene ke baad niche likhein this topic will be covered in the chapter of the first muslim community। In the chapter of the first Muslim community. Replacing the black stone, you have to do it. Shabash, jaldi se. Aakhri heading aa gayi hamari, replacing the black stone. तो कल का क्वेश्चन किसी ने नहीं देखा हुआ था वो देख ले भाई, कल हमने अपने क्वेश्चन में जो है वो चार चीजें स्टार्ट की थी, इन चार एपिसोड में से कोई भी दो आएंगे फाइनल्स में। नहीं मोहम्मद उस्मान, वर्कबुक नंबर 1 जो है बायोग्राफी की बात स्टार्ट होगी, यू डिड नॉट मिस दैट वर्कबुक, वर्कबुक नंबर 2 कवर हुई है, वर्कबुक 3 अभी काम स्टार्ट हुआ। बहिरा रियल नेम फातिमा बेटा वॉज जुर्जैस, जुर्जैस वॉज द रियल नेम ऑफ बहिरा। बेटा ये हेडिंग दे दे दो बस, I'm gonna start soon ताकि हम जो है वो अपना पहला ऑफिशियल टॉपिक पढ़ लें आज का। मोहम्मद उस्मान, नोटबुक्स में होमवर्क किया जाता है तो जब भी मैं होमवर्क दूंगा जो कि मैंने रिसेंटली दिया था और आज भी एक होमवर्क मिलेगा, तो ये होमवर्क जब आप नोट से आंसर्स पढ़ने के बाद लिखते हैं तो वो नोटबुक्स में लिखते हैं। वर्कबुक नंबर 2 में पास पेपर्स करने हैं तो मैं एक दिन आपसे वर्कबुक नंबर 2 मांगूंगा, तो अभी आप रुक जाएं, अभी फिलहाल इस पे बात कर लेते हैं, पेन रख देना है और बात समझ दी। बट द वेरी फर्स्ट सेंचुरी ऑफ अल्लाह, द वेरी फर्स्ट हाउस ऑफ अल्लाह ऑन अर्थ वाज इज द बिल्डिंग ऑफ काबा। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम काबा वाज कंस्ट्रक्टेड बाय हजरत आदम अलैहिस्सलाम एंड फॉर मेनी इयर्स उसकी कंस्ट्रक्शन उसका मामला चलता रहा। फिर एक दौर आया जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का टाइम था, अल्लाह ने इरादा किया कि अल्लाह पाक पूरी दुनिया में सैलाब भेजेंगे और कौम नूह पे सैलाब का जो है जब अजाब आया तो उस टाइम पे अल्लाह कुछ रिपोर्ट्स से कुछ लोग ये बात शेयर करते हैं कि काबा वाज असेंडेड टू द हेवंस, फिर काबा वाज रिकंस्ट्रक्टेड एंड रीबिल्ड बाय हजरत इब्राहिम अलैहि इस्माइल बोथ। उसके कई जमाने गुजर गए, अब ये तकरीबन जब हम बात करें 2500 प्लस इयर्स की, व्हेन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराइव्ड उस वक्त काबे की जो इमारत थी वो बहुत ज्यादा बुरगजीदा हो चुकी थी, तो एट दैट टाइम उस इमारत में जो बहुत बुरगजीदा हो चुकी है, बहुत ओल्ड हो चुकी है और जो कोलैप्स कर सकती है, एट दैट टाइम काबा वाज रिकंस्ट्रक्टेड बाय हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
So in the year 605 AD, when Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was 35 years old, there were heavy rains in the land of Arabia. Rain ki baat karte hain to hame apne ghar ka defense ka jo defense dukta hua nazar aata tha, lekin bahar. So because of the heavy rains in the land of Arabia, ek jagah hai Madina se 70 miles ke distance pe, uska naam hai Khaybar. Khaybar ki taraf se flood water bahut sara aata tha aur wo flood usually do main areas ko hit karta tha, jisko hum log bolte hain, aajkal hum usko bolte hain aur pehle bhi bolte the Hijaz. Hijaz is the combined name of Makkah and Medina. So, jab bhi Khaybar se bahut zyada barish hoti thi to Khaybar se lazmi flood aata tha aur wo Makkah Medina ko jo affect karta tha. When Usman رضی اللہ عنہ became the caliph, the third caliph of Muslim community, jo ki prophet ki death ke kafi zamane baad ki baat hai, Usman had this idea ki unhone Makkah Medina ki jo masjidain thi unko extend kiya tha, lekin Harman ko ya Hijaz ko protect karne ke liye Usman ne Khaybar mein dams banwaye the. ताकि इन फ्यूचर कभी भी फ्लड वाटर खैबर से आके जो है वो मक्का मदीना को डैमेज ना करे. लेकिन ये बात तो तब की है जब उस्मान कैलिफ बनेंगे. अभी तो वी आर स्पीकिंग अबाउट व्हेन प्रॉफिट वाज 35 एंड देयर बिकॉज ऑफ द हेवी रेन्स अ लॉट ऑफ फ्लड वाटर एंटर्ड टू द सिटी ऑफ मक्का एज वेल. एंड उस वक्त मक्का की जो बिल्डिंग थी, द बिल्डिंग ऑफ मक्का वाज मेड डाउन द स्लोप, ढलान की तरफ थी, और वो स्लोप डाउन द स्लोप होने की वजह से मोस्ट ऑफ द वाटर, द फ्लड वाटर गैदर्ड अराउंड द बिल्डिंग ऑफ काबा. और बहुत सारा पानी काबे के अंदर भी चला गया, क्योंकि काबा अभी तो ऊंचा बना हुआ है ना, अभी उस वक्त तो काबा जो है डाउन द स्लोप बना हुआ था. अब क्योंकि वो इमारत 2500 प्लस इयर्स ओल्ड भी थी और वो वहां के पॉलीथीस्ट हो या मोनोथीस्ट हो दोनों के लिए अवेलेबल भी थी, क्योंकि जो भी शख्स मक्का में रहता था वो अल्लाह को मानता था, काबे का तवाफ करता था, हज उमरा किया करता था. So people of Makkah, they sat together and they had a discussion because they knew that the building would collapse at any moment. So they discussed and eventually they reached the conclusion and consensus that okay, we should be doing this. We should reconstruct the building of Kaaba. And the plan was to understand it properly. So that the building that is Prophet Muhammad's time is made, you can see it and relate these things. Kaaba ki jo imarat thi, plan ye tha ki they are going to break all the walls of Kaaba. और फिर वो काबे को दोबारा जब रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो रिकंस्ट्रक्शन में काबे की जो बेस है उसको बहुत ऊंचा कर देंगे. तो अभी काबा बिल्कुल जो जमीन से उठा हुआ और जमीन पे ही दरवाजा था, इन्होंने कहा जी हम उसकी 10-11 फीट की जो है वो 10-11 फीट की जो है वो उसकी बेस बनाएंगे, और जो बेस इतनी सारी बनेगी उसके ऊपर से दरवाजा शुरू होगा. तो अभी गूगल भी आप कर सकते हैं क्लास के बाद, या कभी काबे अल्लाह आपको जल्द देके जाए, मुझे और हमारे सब खानदान सब मुसलमानों को लेके जाए. तो जब काबे में आप जाके देखेंगे, अगर उसको गिलाफे काबा के बगैर देखें तो गिलाफ के बगैर देखने भी आपको अंदाजा होगा, गिलाफ के साथ भी अंदाजा होगा कि काबा के नीचे बेस है वो ब्रिक्स का एक डिजाइन पूरा नजर आता है, और उसके 11 फीट या 10 फीट में, 11 फीट ऐसे बोल रहा हूँ कि मैंने खुद जाके उसको जब टच किया था तो मुझे बस अपने पूरा आर्म स्ट्रेच करने पड़े, तो वो इतना ही मेरे ख्याल से गया. उसके ऊपर दरवाजा है, और अगर किसी को अंदर जाना है तो सीढ़ी लगाने के बाद कोई अंदर जाया करता है या अंदर से बाहर आया करता है. तो प्लान ये कि अगर हम काबे को ऊंचा करके बनाएंगे तो बाद में कितना ही फ्लड वाटर आ जाए, first of all it is not going to damage the base and the building of Kaaba, and number two the water of Kaaba, the water wouldn't be able to get inside the building of Kaaba. So the people of Makkah, they reached an agreement that okay, we should be collecting the money from the different residents of Makkah, and after collecting a lot of money we are going to break the building of Kaaba and we are going to reconstruct the building of Kaaba by keeping Kaaba on a higher slope, or uski base ko high karke the darwaza jo hai uska unchi unchai ki taraf banayenge. So when they discussed to reconstruct the building of Kaaba, they had this one problem, and that problem was this: inside the building of Kaaba there was a well. Inside that well there were valuables, ornaments and jewelry items placed. जब भी कोई दूर दराज से कोई शख्स आता था अपने जो यहाँ पर मक्का यानी काबा, और वो अपने आइडल्स की पूजा करके जाता था, तो जो भी वैल्यूबल्स थे जिसमें सोना है, चांदी है, या कोई कीमती पत्थर के हार हैं, वो नेकलेसेस हो या गोल्ड या सिल्वर हो, वो चढ़ावे जिसको आप चढ़ाने बोलते हैं, वो जो है वो भगवानों को छोड़ के जाते थे. अब आइडल्स ने तो उनको यूज करना ही नहीं है. सो ऑल दीज वैल्यूबल्स, ऑल दीज ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स, दे यूज्ड टू बी पुट इन द पीपल ऑफ मक्का पुट देम इनसाइड दैट वेल व्हिच वाज इनसाइड द बिल्डिंग ऑफ काबा. और ये भी मशहूर है कि उस वक्त काबे की छत नहीं हुआ करती थी. सो बहरहाल वो काबे के अंदर जो कुआं है, इनसाइड दैट वेल देयर वाज वैल्यूबल्स एंड ज्वेलरी आइटम्स एंड ऑर्नामेंट्स वर प्लेस, जो कि मक्का के लोगों ने रखे थे. एंड ओवर दैट वेल देयर वाज अ पॉइजनस स्नेक अपॉइंटेड. पीपल ऑफ मक्का बिलीव दैट दिस पॉइजनस स्नेक हैज बीन अपॉइंटेड बाय अल्लाह, सो द स्नेक इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द वैल्यूबल्स ऑफ द डेप्यूटीज एंड द असिस्टेंट्स ऑफ अल्लाह व्हिच आर एक्चुअली द आइडल्स, जो कि मक्का का मानना था. नाउ दे वर स्टक इन अ डिलेमा. If they are going to kill that snake, Allah's wrath will be accruing upon them. Unpe Allah ka azab aa jayega.
And they were confused that if they do not kill the snake, and if with this poisonous snake, if they do the procedure of construction of the building of Kaaba, the snake is going to sting several different and several neighbors or members, and many of the people would be dying. Ab kare to kare kya? They were stuck in a dilemma. Construction karna chahte hain, paise unhone collect kar liye, lekin saap ka kya kare? Something happened. The snake was then picked by a bird. When the snake was picked by a bird, people of Makkah took this picking of the bird, picking of the snake by a bird, as a sign from Allah. They felt it is as a sign that we wanted to construct the building of Kaaba. Allah appointed the snake. So Allah sent a bird, and when the bird had picked that snake, so this is actually a sign from Allah. This is actually a permission from Allah for us that yes, we have been allowed, we have been given the permission to go for the reconstruction procedure of the building of Kaaba. अब कुरैश के लोग जो है वो मक्का के लोग तमाम जो है वो काबा की कंस्ट्रक्शन रेडी थे और सब लोग अपनी जो है वो जो जो वो जो टूल्स लेकर आ गए हैं लेकिन टूल्स आने के बावजूद nobody was able to collect the guts and courage to hammer the wall of Kaaba. Now thing is कि ये तैयारी तो हो गई है लेकिन प्लान मैंने आपको बताया कि दीवार को तोड़ना होगा और दीवार को तोड़ने के बाद जो है वो काबे की दीवारें दोबारा बनाई जाएंगी. अब सबके दिलों में एक डर है. फिर nobody was having this courage because obviously they were supposed to break the walls of Kaaba and everybody has this kind of fear, had this kind of fear in their hearts that if they try to break the wall of Kaaba, if they try to destroy the house of Allah, Allah is going to destroy theirs and their families' lives. So किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी. Eventually there was a young lad, a young boy by the name of Walid bin Mughira. Walid had collected such guts and courage that Walid hammered the wall of Kaaba for the first time. And the moment Walid did that, there was no earthquake, there was no sign of calamity from Allah, there was no sign of the wrath coming from Allah, and their people of Quraysh gained some more confidence that Allah is with us. And we have been granted the permission to destroy and to collapse, to break, and then to reconstruct the building of Kaaba. In this reconstruction procedure, mein, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam also participated. Ab Kaaba ki jab construction ho rahi thi, to us construction ki dorani mein ek ajeeb ghareeb waqia jo samne aaya, wo kuch yun tha. At one occasion, at one time, when the people of Quraysh were the diwale tod chuke and now they were rebuilding the building of Kaaba, us procedure mein jab wo base taiyar kar rahe the, इन्होंने लाके ब्रिक्स रखनी है. थोड़ी देर बाद देखते हैं वो ब्रिक्स जो है वो अपनी जगह पे वापस चली जाती है. फिर ये ब्रिक्स लाके रखेंगे, ब्रिक्स अपनी जगह पे चले जाएंगे. अब कराची या पाकिस्तान का सीन होता तो लोग कहते हैं भाई ये प्लेस हॉन्टेड हो गई, भूत आ गया, भाग जाओ. कुरैश के लोग ऐसे नहीं है, वो जरा दलेर किस्म के लोग हैं. तो देवर लाइक whenever they are, you know, making the building of Kaaba, the walls of Kaaba, या base of Kaaba, उसमें कोई ना कोई हर्डल आ रहा है, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है, बस दैट्स इट. So the Quraysh and the people of Makkah, they sat together again and they thought and there they reached to the answer to that question. And the answer was that they reached to the conclusion that Kaaba is the sacred house of Allah. We call it Haram, na? Haram yani ki holy place yani ki pure place. Kaaba is the sacred house of Allah, is the pure house of Allah. And when Allah ka paakiza ghar banega, is pure house ko build karne ke liye, we can only use the pure money. So हुआ ये था कि जब इन लोगों ने पैसे कलेक्ट किए थे तो पैसे कलेक्ट करने में कुछ हलाल पैसे के साथ साथ हराम पैसा भी शामिल हो गया. और जब हराम पैसा होगा उस गलीस पैसे जो लूट मार से यतीम का माल खा के या डकैतियों से या चोरियों से हासिल किया हुआ माल है, उस गलीस माल से अल्लाह का पाकीजा घर नहीं बन सकता. सो इन दिस पर्टिकुलर मैनर दे रीच टू अ कंक्लूजन कि ये जो हमने पैसा कलेक्ट किया इसमें प्योर मनी के साथ साथ इम्प्योर मनी भी इन्वॉल्व हो चुकी है. सो नाउ दे डिड व्हाट, इन्होंने उसमें से इम्प्योर मनी यानी कि हराम या किसी का शक वाला जो पैसा था कि इनकी कमाई पता नहीं है, ये लूटता है या लोगों का हक मारता है, वो हटाई. तो पैसे जो है वो प्योर मनी से काबे की कंस्ट्रक्शन हुआ. अब जल्दी से एक सवाल का जवाब दो तो मैं आगे बढ़ूंगा. जब हमने यहाँ से जो है वो इम्प्योर मनी निकाल के सिर्फ इतना सारा पैसा है, इम्प्योर मनी का पोर्शन सारा बाहर निकाल दिया और सिर्फ प्योर मनी यूज की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट के लिए, तो मुझे एक बार बताओ पैसे ज्यादा हो गए या कम हो गए? पैसे ज्यादा हो गए या कम हो गए? कम हो गए ना भाई. अब पैसे जब कम हो गए तो जरा गौर से सुनना मैं कहने क्या लगा हूं. जब पैसे मेरी जान कम हो गए तो प्रॉब्लम ये भी आई ना कि काबा की जब कंस्ट्रक्शन हुई तो उस कंस्ट्रक्शन में काबे की दीवार बननी थी यहां तक, लेकिन काबे की दीवार यहां तक नहीं बना सके क्योंकि पैसे तो कम पड़ गए. पैसे तो थे लेकिन पैसे प्योर मनी कम थी, इम्प्योर मनी तो हटानी थी. तो दीवार मेरी जान बननी थी यहां तक, लेकिन दीवार यहां तक बन नहीं सकी तो दीवार यहां तक बनी. अब जब दीवार यहां तक बनी तो साथ में इस एरिया को मार्क कर दिया गया, और ये एरिया जब यूं करके मार्क कर दिया गया, इसी को आप अलहतीम बोलते हैं, इसी को आप बोलते हैं दिस इज द प्लेस विच इज एक्चुअली द इनसाइड पोर्शन ऑफ काबा. इसी को हुजरा इस्माइल भी बोला जाता है.
आप कभी भी काबे गए हैं या जाएंगे इंशाल्लाह, बार बार जाएंगे, मेरी दुआ आपके साथ है, तो यहाँ नमाज पढ़ने के लिए फड्डा हो जाया करता है, और फड्डा होता है धक्के लग रहे होते हैं, बड़ी मुश्किल से जगह मिल जाती है, लेकिन मुश्किल से जगह मिलती है। तो लोग ये इस वाले पोर्शन में नमाज पढ़ने के लिए क्यों मर रहे होते हैं, क्योंकि भाई ये काबे के बाहर का नहीं, काबे के अंदर का हिस्सा है। यहाँ दीवार बनानी थी पर ना बना सके, क्योंकि पैसा कम पड़ गया। कौन सा पैसा? प्योर हलाल मनी कम पड़ गई, क्योंकि उस वक्त आपको बताया जो इग्नोरेंस जहालत का दौर था, कम ही लोग जो है वो सही से पैसा कमाया करते थे, ज्यादातर लोग जो है वो लोगों पे जुल्म करके ही पैसा कमाया करते थे। तो ये जो हतीम जिसे आप कहते हैं, इसे हुजरा इस्माइल भी बोला जाता है, या सेमी सर्कल की एक बाउंड्री बनी हुई है, जो कि मेरे ख्याल से जो संगमरमर वाला पत्थर है, तो ये बाउंड्री इनसाइड जो है बिल्डिंग ऑफ काबा है। बच्चे यहाँ भी सवाल पूछते हैं, चले सर पैसे तब कम पड़ गए थे, अब तो पैसे बहुत ज्यादा है, अब तो टू मच ही पैसा हो गया, अब दीवार क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि बेटे उस वक्त जब काबा बना था, सो इट वॉज बींग कंस्ट्रक्टेड थ्रू द हैंड्स ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपके पास पैसे हैं, आपके पास अब रसूल नहीं है, तो इसलिए काबा बार बार तोड़ के बनाना मुनासिबत नहीं है। भाई अल्लाह का घर है, और किसी हिकमत की वजह से कि कल को लोगों में झगड़ा ना हो कि मुझे काबे के अंदर ही नमाज पढ़नी है। किसी को बहुत ही शौक है काबे के अंदर नमाज पढ़ने का, हम कहेंगे भाई हतीम में नमाज पढ़िए, ये काबे के अंदर का हिस्सा है, काबे के बाहर का हिस्सा नहीं। दीवार नहीं बनी इसीलिए ताकि जिसको भी नमाज पढ़नी है काबे की उस वो बरकत वाली जगह पे, तो वो यहाँ पर नमाज पढ़ ले। एनीवेज कंस्ट्रक्शन गॉट ओवर, माशाल्लाह से पूरी दीवारें खड़ी हो गई हैं, अब जो कॉस्ट जो हर्डल्स आ रहे थे वो रिमूव हो गई, जो प्योर मनी से काबा की तामीर हुई। तो उसके बाद देयर वाज अ डिस्प्यूट अमंग द पीपल दैट हु इज गोइंग टू फिक्स द हेवनली स्टोन ऑन द वॉल ऑफ काबा। हुआ कुछ यूं कि इब्राहिम अज़र इस्माइल ने जब काबे की तामीर की थी, तो अल्लाह ने जन्नत से एक पत्थर भेजा था, द हेवनली स्टोन, जिसका नाम बाद में हजरत अस्वद पड़ गया। जब ये आया था, व्हेन इट वाज डिसेंडेड, इट वाज ब्रॉट बाय हजरत जिब्राइल टू हजरत इब्राहिम, इट वाज व्हाइट इन कलर, कुछ लोग कहते हैं मिल्की व्हाइट इन कलर में था। इसके अंदर एक एबिलिटी है इस पत्थर में, इट सक्स द पीपल्स सेंस, जो इसको टच करेगा उसके लिए हदीस में है कि अल कयामत के दिन पत्थर गवाही देगा, वो शख्स जन्नत जाएगा। इसके बारे में ये भी आता है कि ये लोगों के गुनाहों को जज्ब करता है। तो वो जमाना गुजरता रहा, ये लोगों की गुनाह जस्ट करता रहा, करते करते प्रॉफिट के दौर तक ये काला पड़ गया था, तो उसका नाम हजर अस्वद यानी कि ब्लैक स्टोन पड़ा। नाउ पीपल ऑफ मक्का न्यू दैट इट वाज फिक्स्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वाज फिक्स्ड बाय हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, एंड नाउ पीपल ऑफ कुरैश दे वर हैविंग अ डिस्प्यूट, एंड दे वर डिस्प्यूटिंग अबाउट द फैक्ट दैट हु वुड फिक्स द ब्लैक स्टोन ऑन द वॉल ऑफ काबा। हर कबीले का शख्स इस बात पे बसित था, मैं नहीं तो मेरे कबीले का सरदार ये काम करेगा। And you have to understand that it was actually when people were claiming, so they were feeling that it was their due right. दूसरा मसला ये कि ये एक historical happening थी, हर बंदे को पता था कयामत तक जब भी काबे की construction का topic आएगा तो ये topic भी discuss होगा कि किस शख्स ने काबे के साथ जो है वो blackstone यानी हजरत को fix किया। तो अगर मेरे कबीले का या मेरा नाम आया तो फिर कयामत तक मेरा नाम तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखा जाएगा। So nobody was willing to withdraw his or her right to, you know, to miss the opportunity of fixing the black stone on the wall of Kaaba. अब ये झगड़ा बहुत मामूली नहीं था, झगड़ा बहुत अमेजिंग किस्म का होता और ये बात जंग तक जाती। अजान हो जाए फिर बताता हूँ।
When people were disputing about the, you know, the honorable or prestigious activity of fixing the black stone on the wall of Kaaba, at that particular moment, Iblis, yani ke Shaitan, was quite happy because jab bhi aman hoga, Islam khush hoga, aur jab bhi jang hogi, Shaitan khush hoga. और शैतान हो या उस वक्त के हालात के हिसाब से देखें तो ये बात बड़ी करीब थी कि ये डिस्प्यूट कोई मामूली नहीं था, यहाँ पर एक जंग की तरफ बात जा रही थी. और आपको लग रहा होगा मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, तो लेट मी जस्ट गिव यू अ क्लियर पिक्चर ऑफ दोज डेज, जिसको एज ऑफ इग्नोरेंस या डार्क पीरियड के नाम से याद किया जाता है. देखिए यहाँ जो टॉपिक छिड़ा है वो ये कि ये एक रिलीजियस एक्टिविटी है, ये एक प्रेस्टिजियस एक्टिविटी है, ये हिस्टोरिकल एक इवेंट है जिसमें हिस्ट्री में अपना नाम हमेशा के लिए जो है वो रकम करवाने के लिए एक बात हो रही है. जो जमाने की हम बात करें कुरैश की, उस वक्त लोगों के बीच में जंगें और लड़ाइयां कुछ इन टॉपिक्स पर हो जाया करती थी. तो मैं आई एम गोइंग टू शेयर द ट्रू स्टोरी विद यू ताकि आपको समझ में आए कि शैतान क्यों खुश था. बिकॉज द पीपल ऑफ कुरैश, कुरैश का मतलब 12 ट्राइब्स ऑफ कुरैश यानी मक्का में रहने वाले 12 कबीले, दे वर ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग फॉर अ वॉर और ये डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होने वाला था. So there was, in those times, a true story which is shared by most of these scholars, वो ये कि एक शख्स ने अपने ऊंट को खेत में बांधा हुआ था. एक जमीन जो खेत जिसे आप कह रहे हैं उसमें ऊंट को बांधा हुआ, ऊंट को बांधा है, रस्सी बांधी भी है, ऊंट जानवर है भाई, कभी जानवर रस्सी तो तोड़ भी देता है. हमने भी अभी जो बकरा एक ऊंट लाया था उसने रस्सी तोड़ दी थी अपनी. तो जी वो ऊंट जो है उसने, ये बंदा अपने ऊंट को बांध के खेत पे अपने घर चला गया. ऊंट साहब को क्या हुआ, उन्होंने जी रस्सी तोड़ दी, उन्होंने जोर आजमाई की होगी, रस्सी टूट गई. तो रस्सी टूटी तो ये ऊंट इस खेत से बराबर वाले के खेत में चला गया. और सुनना मैं क्या कहने लगा, बड़ी जिम्मेदारी से मैं स्कॉलर्स की नैरेटिव स्टोरी आपको ट्रू स्टोरी और फैक्ट बता रहा हूँ. ये ऊंट ने रस्सी तोड़ी और ये ऊंट इस खेत से चल के इस खेत पे चला गया. 40 साल जंग इस बात पर हुई, तेरा ऊंट मेरे खेत पे आया कैसे. सर ऊंट के चक्कर में कबीलों के बीच में 44 decades की वॉर हो रही है, 40 साल की जंगें हो रही हैं. तो आज जो टॉपिक उठा है वो तो रिलीजियस प्रेस्टीज का है, वो तो ट्राइबल ऑनर की बात है, वो तो बात अपनी जो हिस्टोरिकल इवेंट और हिस्ट्री में अपना हमेशा के लिए नाम लिखवाने की बात है. तो सर ये तो कम से कम 80-90 साल की जंग नजर आ रही है. तो इब्लीस वाज वेरी हैप्पी और ऑब्वियसली पीपल वर डिस्प्यूटिंग एंड नोबडी वाज विलिंग टू विथड्रॉ हिज ऑर हर राइट टू मिस द ऑनर ऑफ फिक्सिंग द ब्लास्ट ऑन द वॉल ऑफ काबा. फाइनली व्हेन द डिस्प्यूट वाज राइजिंग एंड द हीटेड अप आर्ग्यूमेंट्स वर नॉट गेटिंग स्टॉप्ड, सो देयर वाज एन ओल्ड मैन बाय द नेम ऑफ अबी उमैया बिन मुगैरा. याद रहे, द पर्सन हु हैमर्ड द वॉल ऑफ काबा फर्स्ट, ही वाज वलीद बिन मुगैरा एंड दिस इज एन ओल्ड मैन. He is coming up with an idea and a piece of advice. His name is Abi Umayya bin Mughira. Abi Umayya bin Mughira said to the people, "O Quraysh, instead of having arguments, listen to my advice. I have a piece of advice. We will come back to the building of Kaaba next morning before the breaking of the dawn. We will wait, and we will see that who is going to enter first, coincidentally, from the gate of Sufa first. And whoever enters first from the gate of Sufa, whoever entered first from the gate of Sufa, coincidentally, before the breaking of the dawn tomorrow morning, then we are going to trust that person as an arbiter." अब ये arbiter का word जो है आज से शुरू होगा, हर तरीके की खिलाफत तक ये word बार बार use होगा. Arbiter बोलो या arbitrator बोलो, दोनों का मतलब same है. Arbiter एक neutral judge को बोलते हैं. जब दो लोगों में झगड़ा हो गया, आपने किसी एक को arbiter बनाया, उसने दोनों की बात सुनी और मसला solve कर दिया. हमदान कह रहे हैं solver को बोलते हैं, problem solver को या dispute solver को arbiter बोलते हैं. चले लेकिन अंग्रेजी में बहुत अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन खैर. So Abi Umayya bin Mughira said that whoever enters first next morning before the breaking of the dawn from the gate of Sufa, that person would be trusted as an arbiter. और वो जिस शख्स का भी नाम लेगा वो शख्स काबे के साथ blackstone को fix कर देगा. अभी उमैया बिन मुगैरा की बात लोगों ने सुनी, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द मूड ऑफ द पीपल ऑफ द चीफ्स ऑफ कुरैश एट दैट टाइम. दे वर लाइक कि हम कल सुबह आ जाएंगे, बूढ़े आदमी ने बात तो कह दी है, अगर मेरे कबीले का बंदा आया पहले तो ठीक, नहीं तो मैंने पख डाल देनी है, मैंने फंडा पा देना है, मैंने नहीं मानना. लेकिन नोबडी न्यू कि अगली सुबह क्या मामला होगा. अगली सुबह एक बड़ा अमेजिंग किस्म का और एक बड़ा एपिक सीन हुआ. Next morning, before the breaking of the dawn, all these people, they were waiting by the walls of by the building of Kaaba to see whoever enters first for constantly from the gate of Sufa. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke baare mein aapko bhi bataya, Prophet Allah ko mante the, sirf Allah ki ibadat karte the, aur Prophet har roz tahajjud wale time pe, jiska before the breaking of the dawn sehri wala time hota hai, us pe Kaaba jaake ibadat farmaya karte the. To Prophet bhi hasbe mamool apni aadat ke hisab se aaj ibadat karne aa rahe. He was 35 years old. And when Prophet entered first from the gate of Sufa, the people of Makkah, Quraysh, they said in one voice, "Oh, this is Sadiq,
This is Amin. This is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We would love to have Muhammad sallallahu alaihi wasallam as our arbiter. तो लोगों ने रात को कहा कि मेरे कबीले का बंदा आया तो मैंने फड्डा डालना है. लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उनसे इतना ही मोहब्बत और प्यार था, उनपे इतना भरोसा था that everybody was unanimous on the fact that कि we would love to have him as an arbiter, as our arbiter, because we know Muhammad is a man of justice. He is going to resolve the dispute based on extreme neutrality and justice. So रात वाली बात तो गई. हुजूर जब आए तो prophet is an arbiter. Prophet peace upon him was not a prophet yet. But he is 5 years away from becoming the messenger of Allah. But he had started showing the signs of his remarkable genius. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dissolved the whole dispute, and he finished the idea of wars by just using a small sheet. एक चादर आपने मंगवाई, cloak जिसे आप कहते हैं, आपने वो चादर मंगवाने से उस चादर में ही सारे मसले को सॉल्व कर दिया. मैंने अभी बताया कुरैश 12 कबीले हैं, ठीक है ना. तो कभी बंदा क्या सोच रहा है, मैं नहीं तो मेरे कबीले का सरदार एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे. Prophet called for a sheet, and when the sheet was brought, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke beech mein black stone ko rakh diya. And when Prophet put the black stone in the middle of the sheet, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked the tribal chiefs to move forward and to grab the sheet from different corners. When the tribal heads, the chiefs of the tribes, they move forward and they grab the sheet from the different corners, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked these tribal chiefs to drag the sheet jisme black stone rakha hai towards the wall of Kaaba. When all the tribal chiefs, grabbing the sheet from different corners, dragged that sheet and took that sheet to the wall of Kaaba, by this particular act, every tribal chief participated in the fixing of the black stone. Technically speaking, every tribe of Quraysh participated in the fixing of the black stone. Huzur Sahab arbiter hain, wo khud bhi ye kaam akele kar sakte hain, lekin prophet ko andaaza hai ki yahan par logon ke dilon mein phir wo baat reh jayegi. People would feel hurt, unhe lagega ki itne umda kaam mein wo piche reh gaye. Now when the sheep was brought by the wall of Kaaba, prophet peace be upon him किसी एक का नाम ले सकते हैं कि आप आके जो है ये फलाने कबीले के आदमी आगे ये काम करें. लेकिन because they had given that right to Nabi al-Islam ki prophet किसी का भी नाम लेंगे, that person is going to fix the black stone on the wall of Kaaba. Why would Prophet give this honor to anybody else when Prophet peace upon him was obviously considered as a neutral person and he was loved by most of the people of Makkah? Prophet himself picked the black stone from that sheet and he fixed the black stone on the wall of Kaaba. तमाम लोग खुश हैं कि हम सारे कबीले ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इवेंचुअली मोहम्मद ने काम किया, और मोहम्मद वो आदमी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे किसी को एतराज नहीं है. लेकिन शैतान की तो जान ही निकल गई ना. तो शैतान के बारे में आता है, एट सेवरल ओकेजंस शैतान अपीयर्ड इन मैन फॉर्म. और सही अहादीस की रोशनी में, जो कि गज़वा बदर के हवाले से भी हदीस मौजूद है, जब भी शैतान इंसानी शक्ल में आया करता था तो वो आउटस्कर्ट्स ऑफ मक्का में रहने वाले एक शख्स, एक चीफ की शक्ल में आता था जिसका नाम था सुराका बिन मालिक. तो शैतान तो जंग एक्सपेक्ट कर रहा था. तो शैतान, इट इज रिपोर्टेड और अहादीस मौजूद है, शैतान अपीयर्ड इन मैन फॉर्म और सुराका बिन मालिक की शक्ल में व्हेन शैतान अपीयर्ड, शैतान विजिटेड दोस ट्राइबल चीफ्स जिनको ट्रिगर करना, जिनको जो है वो इंस्टिगेट करना और उनके एग्रेशन को जो है वो भागना बहुत आसान था. एंड विजिटिंग दोस पीपल इन द मैन फॉर्म, शैतान ने उनको वरगलाने की, उनको इंस्टिगेट करने, इनको टेम्प्ट करने की कोशिश की. एंड शैतान मेंशन टू देम कि तुम लोगों को एक जवान लड़के मोहम्मद ने चादर के चक्कर में बेवकूफ बनाया और आपको चादर के चक्कर में फंसा के प्रॉपर हिंस फिक्स द ब्लैक स्टोन ऑन द वॉल ऑफ काबा. लेकिन शैतानिक अटेम्प्ट टू टेम्प्ट द पीपल ऑफ कुरैश वाज बैडली फ्लंक्ड और वाज बैडली फेल्ड बिकॉज द पीपल ऑफ मक्का, दे ट्रस्टेड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोर देन देयर ओन ट्राइबल चीफ्स बिकॉज दे ऑल सॉ द फैक्ट दैट the decision of Muhammad sallallahu alaihi wasallam was not based on the fact that the prophet made himself superior to show the rest of the tribes as inferior. They knew that the decision of prophet was based on the fact that prophet peace be upon him was focusing more on uniformity, was focusing more on unity. He gave the right to almost everyone of har itna sa patthar sab log nahi pakad ke laga sakte the. And the prophet's decision was not to make himself superior and to show others as inferior. The decision was actually based on unity and uniformity of everyone. And eventually, sabhi logon ne agree kiya tha ki prophet ko right diya. The prophet ne jab wo patthar lagaya hai, sabko involve karke, to kisi ko itraz nahi. Shaitan tried ki instigation ho aur yahan par jung ho jaye, lekin shaitan could not do so. To ek zamane pehle, jo ki aaj se 3200 saal takriban pehle, agar jo hai wo wahan par aaj se 3200 saal mein calculation galat kar raha hu, तो कई हजार साल पहले जब काबा बना था तो काबे के साथ दीवार पर पत्थर जिसने लगाया था वो एक रसूल थे, नाम था इब्राहिम अलैहिस्सलाम.
फिर यू नो सेंचुरीज लेटर व्हेन अगेन काबा वो कंस्ट्रक्टेड, तो उस पे जब दीवार पे पत्थर लगाया वो दोबारा अल्लाह ने उन रसूल से लगवाया हु वाज खातिमुन नबीयीन द सील ऑफ प्रॉफेट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो पत्थर तब भी वहां था, आज भी वही है, कयामत तक वहां इंशाल्लाह रहेगा। और उस पत्थर को हाथ लगाने के लिए अब आप जब जाएंगे तो पहले वो बड़े साइज का था, अब वो छोटा हो गया, क्योंकि बाद में हजरत इब्राहिम के दौर के बाद कई लोगों ने उसको तोड़ के अपने इलाकों में ले जाने की कोशिश की, फिर उसका कलर भी चेंज हो गया। अब आप पत्थर को हाथ नहीं लगा सकते, वो फ्रेम के अंदर है, आप उसको हाथ लगाते नहीं बल्कि फ्रेम को हाथ लगाते हैं, उसको नहीं बल्कि फ्रेम को चूमते हैं। लेकिन बहरहाल वो चीज भी उम्मीद यही कि सवाब उतना ही मिलेगा और जन्नत में पत्थर इस बात की गवाही देगा कि जी फलाने ने मुझे जो है वो हाथ लगाया था, तो उसको जो है जन्नत का उसके लिए रास्ता, उसकी जो मंजिल जो है वो आसान है। तो ये बात खत्म हुई, अल्लाह हमें काबा जाने की तौफीक दे और काबा जाने के बाद इस अनफॉर्चुनेट मेंबर्स में शामिल करें जो कि इस पत्थर को हाथ लगा सकें या चूम सकें। बाकी तफसीलात मैं आपको हज के टॉपिक में बताऊंगा। अब अपने पॉइंट सीखना शुरू करते हैं। लिखिए जी, व्हेन प्रॉफिट वाज 35 काबा वाज अफेक्टेड बाय फ्लड वाटर। व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद पीस अपॉन हिम was 35, Kaaba was affected by flood water. Kaaba was affected by flood water. People of Makkah decided to reconstruct Kaaba. People of Makkah decided to reconstruct Kaaba. They were not able to do so due to the snake. The snake was picked by a bird. Makkans took it as a sign and permission from Allah to reconstruct Kaaba. Reconstruction started in which Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam also participated, in which Prophet peace be upon him also participated. Walid bin Mughira hammered Kaaba first. अब इसमें ब्रिक स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी, पर ब्रिक स्टोरी इसमें मेंशन नहीं होगी। इट वाज जस्ट फॉर योर नॉलेज, इट वाज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये काबे के बाहर जो सेमी सर्कल बना है ये कोई डिजाइन नहीं है बल्कि इसके पीछे वाकया और पूरी हिस्ट्री मौजूद है। तो क्योंकि द क्वेश्चन इज मेनली अबाउट द फिक्सिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन एंड द डिस्प्यूट अमंग द पीपल ऑफ मक्का रिगार्डिंग द यू नो प्लेसमेंट ऑफ द ब्लैक स्टोन। तो हमने कंस्ट्रक्शन करा के जल्दी से डिस्प्यूट की तरफ जाना है। तो मैंने सुनाने में जो बात की हुई है उसमें मैं कुछ चीजें माइनस इसलिए करूंगा कि भाई वो लिखने में फिर टाइम पे नहीं होगा और जो चीज जो है वो यहाँ के लिए स्केपेबल है वो स्केपेबल है। तो सुना तो दी है लेकिन वो लिखी नहीं जाएगी। ब्रिक स्टोरी की बात हो रही है जिसमें हतीम और सेमी सर्कल का बताया था। तो मैं डायरेक्ट इसके बाद वलीद बिन मुग़ीरा ने काबा को हैमर किया, काबा की तामीर जो है वो कंप्लीट हो गई और कंप्लीशन के बाद डिस्प्यूट आया। मैं डायरेक्ट डिस्प्यूट पे जंप कर गया हूँ। कंस्ट्रक्शन वॉज ओवर पीपल डिस्प्यूटेड अबाउट फिक्सिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन। Next point आ गया, an old man's suggestion, and then the name of the old man was Abi Umayya bin Mughira. He suggested whoever enters first next morning before the breaking of the dawn from the gate of Safa, that person will be trusted as an arbiter.
and then he will be appointed as a neutral judge, who whatever name he is going, whoever he named, whoever he would name, हम उस शख्स को जो है वो काबे की ब्लैक स्टोन की फिक्सिंग की जो है एक्टिविटी करने की इजाजत दे देंगे. Prophet Pison entered first from the gate of Sufa. He was trusted by all as an arbiter. He was trusted by all as an arbiter. Yeah, arbitrator bhi bolte hain. Prophet, peace be upon him, resolved the dispute with his remarkable genius. It's got a story of the sheet, a story of sheet. Shaitan appeared in man form to tempt Quraysh, but Shaitan failed. One of the students asked कि सुलाखा बिन मालिक वो राइडर नहीं था जो प्रॉफिट को माइग्रेशन के टाइम पे मिला था. जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुलाखा एक आदमी था लिविंग दी आउटस्कर्ट्स ऑफ मक्का. सो आपको इस्लामियात में रेफरेंसेज मिलेंगे कि शैतान अपीयर्ड इन मैन फॉर्म और अदीना. मेरे ख्याल से आप लिखती नहीं है, आपने फॉर्म से डन भेज दिया है, मुझे शक हो रहा अभी तो कोई गड़बड़ है, आप कॉपी पेस्ट कर रही है, मुझे लग रहा है आप वर्गों पर लिखती नहीं है. तो सुलाखा के बारे में जो आप बोलोगे, he was a rider who prophet met by during his journey of migration from Makkah to Medina. तो वो वाली जो बात है वो दुरुस्त है, और उस दिन सुलाखा ही आए थे, और सुलाखा के बारे में पूरी रिपोर्ट इमाम बुखारी ने सही बुखारी में भी लिखी हुई है. लेकिन जब भी शैतान शक्ल में, जैसे हज़रत जिब्राइल जब भी मैन फॉर्म में आते थे, जिब्राइल इस्लाम किसी शक्ल में आते थे, हज़रत दाहिया कर दी एक साहबी, तो शैतान ने भी एक जो चेहरा पकड़ा हुआ था कि इसकी शक्ल में आऊंगा, क्योंकि फिर मक्का के लोग जो है उस चेहरे को, उस शख्स को ऐसा जो है वो इम्पोर्टेंट लीडर मानते हैं. तो कभी आपको उस इस्लामियत में सुलाखा ही मिलेंगे, और कभी आपको जो है वो शैतान जो है वो सुलाखा की शक्ल में आते मिलेगा. सुलाखा शैतान नहीं थे, और शैतान भी सुलाखा नहीं था. अब शैतान ह्यूमन फॉर्म में आएगा तो किसी का तो बूथा लेके आएगा ना, तो वो जिसका चेहरा लेके आता था उस शख्स का नाम सुलाखा बिन मालिक. इसके बाद क्वेश्चन बी लिखना है, एक्सप्लेन व्हाई हजरत मोहम्मद पीस अपॉन वाज एंटाइटल्ड एज अल सादिक एंड अल अमीन. Question B. Why Hazrat Muhammad, peace be upon him, was entitled as Al-Sadiq and Al-Amin? Ansari and Alami. आप कंटिन्यूशन में काम करते रहे, मैं तो ऐसे ही रैंडमली पेज टर्न करता रहता हूँ. मोस्ट लाइकली आप सब पेज नंबर 5 तक आ ही गए होंगे, अब तो सभी पेज 5 पे आ जाऊंगे. तो सैयद मोहम्मद तुराब मुझसे पूछ रहे हैं सादिक का मतलब क्या, आप लोग बताएं सादिक का मतलब बताएं, व्हाट डज सादिक मीन. सादिक का मतलब ट्रस्टवर्दी नहीं होता भाई, क्या हो गया. इसकी सदाकत की गवाही मैं देता हूं, मैं इसकी सच्चाई की गवाही दे रहा हूं. सादिक मीन्स अ ट्रूथफुल पर्सन. अब बताओ अमीन का मतलब क्या होता है. सादिक ट्रूथफुल को बोलते हैं, तो अमीन किसे बोलेंगे.
is a trustworthy person. Honesty does dono se relate karti hai. Honesty ko na chode. Sadiq ko bolenge truthful aur Amin ko bolenge trustworthy. Do paragraph banenge bhai. P1 में आ गया सादिक, P2 में आएगा रमी. इसके बाद बनाएंगे आप दो कॉलम्स. और उसके आप क्यूट क्यूट सा लिखेंगे. अल सादिक the truthful और नमीन के लिए लिखेंगे आप the trustworthy. अलसादी का मतलब the truthful, अलमीन का मतलब the trustworthy. क्या करूं पेज फाइव ही तो चल रही है. पूरा कैसे दिखाना पेज फाइव. जी करें स्टार्ट. व्हाई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज इंटाइटेड एज़ अल-सादिक अल-अमीन. अब इसे प्रॉब्लम समझ लेना. मुझे पता है जवाब इसका आसान है, लेकिन एक एरिया में स्टूडेंट, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सादिक को भी ट्रस्टवर्दी बोल रहे थे, तो चलिए वो तो अरबिक का वर्ड है, लेकिन ये बेसिकली ना आंसर में ये वाला फ्लॉ नजर आता है. वो फ्लॉ मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको. मुझे एक बात बताओ, अगर ये फोर मार्क का क्वेश्चन है, अगर ये फोर मार्क का क्वेश्चन है जिसमें एक पैराग्राफ सादिक का एक पैराग्राफ अमीन का है, मुझे बताओ सादिक के कितने मार्क्स होंगे और अमीन के कितने मार्क्स होंगे. शादी के टू मार्क्स हैं तो मीन के भी इतने मार्क्स हैं, टू है ना. अब प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि यू गाइज आर सो अमेजिंग व्हेनेवर यू आर एक्सप्लेनिंग द फैक्ट दैट कि हजरत मोहम्मद पीस ऑन वाज अमीन. इतना जबरदस्त आप इसका आंसर लिखते हैं. आप इसका रीजन लिखते हैं ही वाज कॉल्ड अल अमीन बिकॉज ही वाज अ ट्रस्टवर्दी पर्सन एंड व्हेनेवर एनी पर्सन ट्रस्टेड हजरत मोहम्मद पीस अपॉन ही केप्ट द ट्रस्ट एंड प्रॉफिट नेवर ब्रोक द ट्रस्ट. फिर आप उसकी एग्जाम्पल्स भी देते हैं. He was trusted to keep belongings. He was even dushman bhi aapke paas apni belongings rakhwate the. He was trusted as an arbiter. Phir aap pura qissa Blackstone wala bhi bata dete hain ya thoda sa uske chunks batate hain. He was also trusted to conduct business on behalf of XYZ or someone else. Like Hazrat Khadija trusted Prophet peace be upon him to conduct business in Syria at multiple occasions. To yahan par aapka jawab jab Al-Amin ka aata hai, oye hoye itna zabardast jawab hota hai ki main aapko bata raha hu ki majority 95% answers ऐसे होते हैं अलमीन के, ये कुछ बच्चे बावले भी होते हैं. 95% answers ऐसे होते हैं कि आप वहां मार्क काटने का सोच भी नहीं सकते. ये आपकी स्ट्रेंथ है, अलमीन एरिया आपकी स्ट्रेंथ है. लेकिन जितने औसम आप अलमीन लिखने में हैं, उतनी ही बेहूदगियां आपको सादिक में होती हैं. क्योंकि सादिक के बारे में स्टूडेंट्स आपने लिखा होगा ना, पहले भी आप इस्लामियत पढ़ते हुए, कौन सी नई इस्लामियत पढ़ रहे हैं आप. अल सादिक का आप जवाब क्या लिखते हैं. He was called Al Sadiq because he was a truthful person. He always spoke the truth. He never lied. Bas. Oh, bhai, mujhe ek baat bata do. Agar Sadiq aur Amin dono ke marks do hain, Amin pe itni lambi kahani likhi hai aur Sadiq pe ek mark likha hai, to beta aap khud hi checker ban ke bata do na kitne marks aayenge. To iske matlab ye hua ki aap Amin pe full marks score karenge, Sadiq pe aapko score hi nahi milna chahiye. तो बात समझनी है. मुझसे इस्लामियत पढ़ रहे हैं तो मुझे खाली कहानी सुनानी, लिखने का तरीका और जस्टिफिकेशन और बैलेंस मेंटेन करना है. तो जो अमीन को टाइम मिलेगा वो सादिक को मिलेगा. तो याद रहे अभी की 5 मिनट की डिस्कशन में, अमीन आपकी स्ट्रेंथ है, सादिक का पोर्शन आपकी वीकनेस है. इसी को ओवरकम करें मेरे साथ 5 मिनट के अंदर. तो आपको मैं प्लान जो बता रहा हूँ ये कि हम दोनों को बैलेंस लेके चलेंगे. रीजन मैं आपको बताता हूँ. देखो प्लान ये है, एक मेन पॉइंट आएगा, इसको ऐसे लिखोगे आप बुलेट बना के. अभी नहीं लिखना, भी मैं समझा रहा हूँ. इस मेन पॉइंट में मैं लिखूंगा रीजन के ही वॉज कॉल्ड सादिक बिकॉज ऑफ दिस, और फिर मैं उसके दूंगा 3 सबूत. अगर किसी बच्चे ने 3 की बजाय एविडेंस इस बात के 2 भी लिखे तो भी इसका फुल स्कोर आ सकता है. क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं, मेरी मर्जी में एग्जाम्पल्स 3 लिखूं या 2, लेकिन एक एग्जाम्पल कम पड़ जाएगी तो मिनिमम 2 एग्जाम्पल्स आनी चाहिए. तो फिर मैंने लिखा ही वॉज कॉल्ड सादिक बिकॉज ऑफ एक्स वाई जी रीजन, और उस रीजन की मैंने 3 एविडेंसेस यानी 3 उसके सपोर्टिंग पॉइंट्स दे दिए.
इसी से मैं सादिक अब अमीन पे आऊंगा, ही वॉज कॉल्ड अमीन बिकॉज ऑफ दिस एंड दैट, और उसके बाद फिर मैं उसकी कितने एविडेंस दूंगा, तीन। तो एक काम करते हैं, पहले अपनी स्ट्रेंथ वाले एरिया को कवर कर लेते हैं, उसके बाद अपनी वीकनेस वाले एरिया पे आएंगे। तो लिखो अलमीन, अलमीन पे लिखना शुरू करो, यहाँ पर ऐसे करके बुलेट बनाओ, यू बुलेट का साइन यूज करो ऐसे, और लिखो ही वॉज कॉल्ड अलमीन बिकॉज। बाकी मैं टाइप करके भेज रहा हूँ, मैंने आपको बस दिखा दिया कि लिखना कैसे, बाकी मैं टाइप करके भेज रहा हूँ। अलमीन पे लिख रहे हैं, याद रखना अलमीन कर रहे हैं हम लोग। He was called Alamin because whenever he was trusted, he kept it. He was called Alamin because whenever he was trusted, he kept it. He kept it. उसके तीन सबूत हैं, अभी आसान सा है, इस पर टाइम ज्यादा नहीं लगा रहे, शादी पे बहुत वक्त लगाना हमने। ही वॉज ट्रस्टेड टू कीप द बिलोंगिंग्स, he was trusted to conduct business, your businesses. Give example of Hazrat Khadija, ye dusra point ho gaya. He was also trusted as an arbiter. और तीसरा पॉइंट होगा, ही वॉज ऑल्सो ट्रस्टेड एज एन आर्बिटर, गिव एग्जाम्पल ऑफ द इवेंट ऑफ द ब्लैक स्टोन, जो कि अभी अभी आपने मेरे साथ पढ़ा, इवेंट ऑफ द ब्लैक स्टोन। अस्करी सी में लिखा हुआ है कि ही वाज ट्रस्टेड एज एन आर्बिटर, गिव एग्जांपल ऑफ द इवेंट ऑफ ब्लैकस्टोन, टाइप करके भेजा तो है मैंने। बेटा सादिक वाला भी लिख लो, मैंने सादिक में दो पॉइंट सीखे जल्दी से। ही वाज कॉल्ड सादिक बिकॉज़ इट सूटेड हिज कंडक्ट, जो आपको याद है वो ठीक है, जो नहीं याद है वो मैं आपको करवा देता हूँ। सादिक वाले भी कॉम्पॉइंट्स कॉपी करो स्क्रीन पे, सादिक वाले पॉइंट्स। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पता नहीं एमन क्या सवाल पूछिए, व्हाट वाज स्नेक सीन, क्या मतलब, क्या बोलना चाह रही हैं आप? मैं तीन चार बार पढ़ चुका, व्हाट वाज स्नेक सीन, क्या
I don't get your question, beta. Please, आप question थोड़ा सा explain करेंगी तो I will be able to answer. अच्छा, what was the snake event? So when people of Makkah, they decided that they are going to reconstruct the building of Kaaba. So the problem was that inside the building of Kaaba, there was a well. Inside the well, there were ornaments and jewelry items and valuables. And over the well, a snake was appointed. Makkans believe that this snake was appointed by Allah. And if they kill the snake, Allah's wrath and Allah's calamities, Allah's anger will be coming upon them. तो वो स्नेक को मार भी नहीं सकते थे और उसको छोड़ भी नहीं सकते थे. मारेंगे, मार देंगे तो अल्लाह का अजाब आएगा. अगर वो उसको छोड़ा देखे ऐसे ही रखेंगे तो काबे की तामीर नहीं हो पाएगी. एंड देन लेटर ऑन बाय द ऑर्डर्स ऑफ अल्लाह द स्नेक वाज पिक्ड बाय अ बर्ड. ये थी स्नेक स्टोरी. आगे बढ़ जाए, ये सबने कॉपी कर लिया तो मुझे बताया, मैं आगे स्टार्ट करूँ. फिर ही ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ एंड ही वाज नेवर फाउंड टू बी लाइंग. शैतान जिनकी शक्ल में आता, जिसकी शक्ल में आता, उस शख्स का नाम था सुराका बिन मालिक. देखिए जी, बाय वर्ड या बाय डेफिनेशन सादिक उसको बोलते हैं जो कि सच्चा हो. मक्का के लोग हजरत मोहम्मद सल्लम को सिर्फ सच बोलने पे सादिक नहीं बोलते थे, लेकिन यहाँ पर वो प्रॉफिट को सादिक बोलते थे. उसके पीछे आपका किरदार था. देखो ऊपर मैंने पॉइंट का जनरेट किया, ही वाज कॉल्ड एज सादिक बिकॉज इट सूटेड हिज कंडक्ट. तो हुजूर इस्लाम जबान की सच्चाई के अलावा किरदार के भी, मुश्किल पॉइंट है, मैं तफसील से बताऊंगा, जबान की सच्चाई के अलावा किरदार के सच्चे भी थे. अब हमने कई जमाने से बात सुनी हुई है जो कि एक नेगेटिविटी बताई जाती है और साथ में फिर लोग जो है वो सच से भाग भी रहे होते हैं. हमने सुना है जी सच कड़वा होता है. जी अगर आपने भी सुना है सच कड़वा होता है तो आप सच में चीनी डालें, आप उसमें स्टीविया डालें, आप उसमें गुड़ डालें, शहद डालें, आप मीठा कर दें सच को, क्या मसला हुआ? अगर सच कड़वा होता है तो आप कड़वा कर दें सच को. भाई आपकी चाय कड़वी, आपने चीनी डाली, आपका सच भी अगर कड़वा है तो उसमें चीनी डाल दें. तो बात करने का अंदाज होता है. अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबानी किरदार के सच्चे थे. सच्चाई से फायदा है लोगों को, सच्चाई से ठेस नहीं पहुंचाते थे. ही डिड नॉट हर्ट पीपल, और उससे नुकसान नहीं फवायद थे. अब मैं आपको दो तरह के सच बोल के दिखाता हूँ. दोनों कुरान हदीस से हैं और दोनों सच में आप दिखिएगा. एक सच होगा कड़वा और वही सच में दोबारा आपको बोल के दिखाऊंगा तो वो सच हो जाएगा मीठा. मिसाल में लेता हूँ हसन फारूकी की. मैंने हसन फारूकी से जाके पूछा कि अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल है? ठीक ठाक है. कह रहे जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, सब चले भाभी ठीक है. मैंने कहा हसन एक बात बताओ, क्या आपने फजर की नमाज पढ़ी? हसन ने कहा जी मैंने फजर की नमाज नहीं पढ़ी. तो मैंने हसन को जवाब दिया, आप तो काफिर हो. तो हसन, जब मैं खड़े हो किसी को इस बात पे कमेंट करूं तुम तो काफिर हो, तो ऑब्वियसली इट इज हर्टिंग, ऑब्वियसली इट इज गोना बी टीजिंग एंड बॉदरिंग फॉर एनीवन हु द पर्सन हु वुड बी लिसनिंग टू दैट काइंड ऑफ कमेंट एंड स्टेटमेंट. मैंने कहा भाई आप तो काफिर हो. और प्रॉफिट मोहम्मद ने एक दिन बोला, द डिफरेंस बिटवीन अ बिलीवर एंड अ नॉन बिलीवर इज द अबेंडनिंग ऑफ प्रेयर. जिसके नमाज मुसलमान में और काफिर में एक ही फर्क है, वो नमाज का है. और प्रॉफिट ने एक दिन ये भी फरमाया, ही हु गिव्स अ प्रेयर हैज इंडीड डिसबिलीव्ड. जिसने नमाज नहीं पढ़ी उसने कुफर किया. और कुफर करने वाला तो मोमिन नहीं होता, कुफर करने वाला तो काफिर होता है. तो बेटा आप तो काफिर हो. दूसरा, आप हजरत उमर के दौर में जिंदा होते तो आपकी तो गर्दन ही काट दी जाती. हजरत उमर तो बेनमाजी की गर्दन काट दिया करते थे, उसको सख्ती से डील करते थे. तीसरा, अब तो आप जहन्नम की आग में हमेशा के लिए सड़ेंगे. इमाम हनीफा ने अपनी किताब में लिखा है, जिसने एक नमाज जानबूझ के कजा की उसको 4,50,00,000 साल तक जहन्नम की आग में जाया जाएगा. एक तो बेटा तुम जिंदा हो तो उसकी वजह जो है वो तुम्हारी बचत हो गई है. दूसरा, तुम काफिर हो. तीसरा, तुम जहन्नमी हो. तो सामने से हसन, मैंने सच बोला है, मैंने किताबों से, मैंने आपको तारीख से और खुद सुन्नत से दलाइल दिए. तो हसन को अगर मैं बोलूंगा ओ हसन तुमने नमाज पढ़ी तुम काफिर हो, तो हसन जवाब देगा भाई तू काफिर, तेरा बाप काफिर, तेरा खानदान काफिर, हो जाए. अब मैंने जब सच बोला है तो सच मैंने बोला है कड़वा बना के ना. यही सच मैं अगर बोलूं तो मैं इसके अंदर चीनी भी तो डाल सकता हूं. आपने जबान से सच बोल दिया, मुबारक हो. किरामन कातिबीन में एक भाई साहब ने आपकी नेकियां लिखी, बड़े कोई क्यूट आदमी है आप. लेकिन इस सच से हसन को तो फायदा नहीं हुआ. इस सच से हसन तो या तो हसन को आपने बिल्कुल टर्न डाउन कर दिया है, आपने उसको बिल्कुल ही डिप्रेस कर दिया है, या आपने उसकी इतनी इज्जत खराब की है कि वो बंदा नमाज से नफरत करने लग जाए. इसका दूसरा अंदाज भी तो है. मैंने हसन से जाके पूछा, लेट्स से कि हसन मेरे पड़ोसी हैं, और मैंने हसन से जाके जो है पूछा कि हसन भाई अस्सलाम वालेकुम कैसे, ठीक ठाक है? ये बताया आपने आज फजर पढ़ी? हसन ने कहा मैंने फजर नहीं पढ़ी. तो फिर मैंने हसन को बताया कि हसन देखें बात ये है कि आई रियली रियली लाइक यू, और द थिंग इज के आप एक बड़े उम्दा और एक जबरदस्त इंसान और पड़ोसी हैं.
तो जैसे आप दुनिया में मेरे पड़ोसी हैं ना, मेरी आरजू और दिली तमन्ना ये है कि इंशाल्लाह कयामत के मंजर के बाद आप मेरे जन्नत में भी पड़ोसी हैं। लेकिन हसन भाई एक बात तो बड़ी खरी और सच है, वो ये कि जन्नत का हुसूल पॉसिबल ही नहीं है नमाज के बगैर। आपको पता है हुजूर ने कहा नमाज तो मेरी आंखों की ठंडक है, इतनी प्यारी आंखों की ठंडक जो है नमाज है, नमाज तो जन्नत की कुंजी है। मतलब कि द इजीएस्ट एक्सेस टू हैव द एंट्री ऑफ पैराडाइज इज ऑब्वियसली नॉट विदाउट द की, एंड द की टू प्रेयर इज पैराडाइज। फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये भी फरमाया कि जिस शख्स ने पांचों नमाजें वक्त पर पढ़नी, अल्लाह पाक का उससे मुआहदा है कि अल्लाह पाक उसको खुद जन्नत लेके जाएंगे। एक सादी से खुद सी एक्चुअली शेयर बाय हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह पाक उस शख्स से खुद वादा करते हैं जो नमाज वक्त पर पढ़ ले, मैं उसे जन्नत लेके जाऊंगा। और अल्लाह ने अगर वादा किया है तो कोई अल्लाह को रोक नहीं सकता है, अल्लाह की ताकत के सामने किसी की भी ताकत नहीं चलती है। तो हसन मैं अगर कभी भूल जाऊं नमाज पढ़ना तो यू शुड बी गिविंग मी अ रिमाइंडर, और कभी आप भूल जाए तो आप नाराज मत होइएगा, आई विल ऑल्सो बी गिविंग यू अ सॉफ्ट एंड पोलाइट रिमाइंडर। तो लाले नमाज पढ़नी है ताकि फिर जैसे यहाँ अपन क्रिकेट खेल के आपको आउट अमन करते हैं तो वहां भी हम आपको क्रिकेट खेल के आउट करेंगे। अब भी मैंने सच बोला, अब भी मैंने हदीसें सुनाई, लेकिन अब अगर आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ भी हैं, मैं पहले आपको बोला आपने नमाज ही पढ़ी आप काफिर हैं, दूसरा मैं आपको बोलूँ आई एम एनकरेजिंग यू, आई एम यूजिंग अ पोलाइट स्पीच, माय कर्टेसी इज देयर, माय काइंडनेस एंड पोलाइटनेस इज देयर, तो सच बोलने के तरीके हैं, अब आपकी मर्जी है। सच को कड़वा बना के नीम का पत्ता बनाए या सच को मीठा बना के पेश करें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन बात हो रही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रूथफुल पर्सन, जबान नीक किरदार के सच्चे थे। He was kind, he was polite, he was courteous in his character and conduct. इंसान तो छोड़ यार, जानवरों को भी आप नुकसान नहीं पहुंचाते, पहुंचाना पसंद करते थे। तो हजरत मोहम्मद सल्लम को लोग सादे किसी नहीं बोलते, यार जबान के सच्चे थे, आपकी courtesy है, आपकी kindness और politeness है जिसकी वजह से आप किरदार के सच्चे पाए, और तो आपको सादिक पुकारा गया। तो आपको भी सादिक बनना है तो सादिक में फिर आपको जबान के अलावा अपने अंदर शाइस्तगी दिखानी। आज क्लास इत्तेफाक से इसी बात से स्टार्ट हुई कि हम पहले बच्चों को डांट दिया करते थे, जोर से जलील कर दिया करते थे, अब कोशिश यही रहती है कि वही बात को पेशेंट भी टॉलरेंस के साथ ऐसे एक्सप्लेन करें कि बस बच्चा भी समझ जाए और कहीं झगड़ा ना हो। कभी हम गुस्सा हो जाए तो आप माफ कर दीजिएगा, और कभी आप गुस्सा हो तो हम माफ कर देंगे, लेकिन गुस्सा हो मत जाइएगा भाई, सीन खराब ना हो जाए ना। लिखो नेक्स्ट। He was kind and courteous in his conduct and never hurt anyone. He was kind and courteous in his conduct and he never hurt anyone. Class kab khatam hogi? Wow! Itne dino se nahi pata class ki timing kya hai. क्लास कब खत्म होगी? 6 बजे खत्म होगी फिजर भाईजान, क्लास 6 बजे ही तो खत्म होती है, आज भी 6 बजे खत्म करेंगे ना यार। He was kind and courteous in his conduct and never hurt anyone. अच्छा ये हर्ट लिखा हुआ है, नर्ट लग रहा है, एच की डंडी बड़ी कर दें। जी मुझे पता था कि दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन वुड बी कमिंग मिस्टर मोहम्मद एहसन, लेकिन द पॉइंट इज कि ये जो आप एग्जांपल दे रहे हो, दिस इज द एग्जांपल आफ्टर व्हेन प्रॉफिट बिकेम द रसूल ऑफ अल्लाह। तो ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये तब का आ रहा है जब प्रॉफिट नबी नहीं बने थे, और तब से उनको सादिक अमीन बोला जाता था, और ये स्टोरी बात की है। यस दिस स्टोरी कैन बी एक्सेप्टेड बाय द एग्जामिनर, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं वो वाले पॉइंट्स लिख दूं जो कि प्रॉफिट की नबूवत से पहले पहले के। आपकी एग्जांपल बहुत रेलेवेंट है और कुछ आंसर्स ऐसे हैं पास्टर्स के जहां ये लिखी जाती है, लेकिन ये इस वाले आंसर में नहीं आ पाएगी माजत के साथ। लाइबा बाजी आपका कैमरा खुला हुआ है, लोगों को परेशानी हो रही है, वो भी पंखा अजीब सा दिखा रहे हैं आप उसमें। भाईजान जबान का नहीं इंसान किरदार का सच्चा होना चाहिए। एक मैं आपको अजीब सी बात शेयर कर दूं, आप किसी भी बददयानत किस्म के आदमी से मिलें, आप रिश्वत खोर से मिल लें, शराबी से मिल लें, जानी से मिल लें, आप किसी भी इंसान से मिल लेंगे ना, उस पूरी सूरत हाल में उस इंसान के अंदर एक बात बड़ी कॉमन पाई जाती है जो कि हम में भी पाई जाती है, वो ये कोई बंदा कितना ही अच्छा है कितना ही बुरा क्यों ना हो, पसंद उसको नेक लोग होते हैं। अब ये जो मक्का के लोग थे, they were huge fans of हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अब मक्का के लोगों की बात करें तो they were involved in different kinds of activities. Number one, के अच्छा जी लाइबा का पूरा नाम मुझे भूल गया, पूरा नाम क्या था, वो कौन सी लाइबा थी. द पॉइंट इज के अल्लाह का भला करे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमाने में जिंदा है, एज ऑफ इग्नोरेंस की बात हो रही है, उस वक्त लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफना रहे. आई हर्ड दैट स्टोरी ऑफ द सहाबी who later on became the Rasul of Allah and he shared that story. मैंने जब से जब मैं आपकी एज ग्रुप का था और मैं ये स्टोरी सुनता था तो आई ऑलवेज हर्ड द स्टोरीज लाइक दैट कि यार वो उस वक्त अपनी बेटियों को जिंदा दफना देते थे. इट वॉज लाइक ए बेटी पैदा हुई, छोटी सी बच्ची है, रो रही है, दो दिन की बच्ची है, उसको जाके दफना दिया. लेकिन देयर इज अ स्टोरी एंड दैट इज एविडेंट दैट होल स्टोरी वाज नरेटेड बाय अ सहाबी और वो रोते थे अपने इस्लाम कबूल करने के बावजूद भी कि मेरी बेटी 5-6 साल की थी और मैंने अपनी बीवी को बताया हुआ था कि मैं इसको पाल नहीं सकता, शर्मिंदगी और मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं उसको दफनाने ले जा रहा हूँ. और दैट स्टोरी वो वाइफ को मालूम है, यानी मॉम न्यू दैट कि टुडे माय डॉटर इज गोना बी बरीड अलाइव. वो अब 6 साल की, मेरी आयजा भी 5-6 साल की है, हर बात समझ आती है 5-6 साल के बच्चे को. अब्बा ने जो है वो यानी बाप ने माँ को बताया हुआ कि मैं इसको दफनाने ले जा रहा हूँ. बेटी को बोला बेटा चलो. डॉटर वाज व्हाट वाज शी व्हाट वुड हैव बीन शी थिंकिंग कि आज अब्बू लेके जाएंगे, वो शॉपिंग हो गई, वो स्वीट्स लाएंगे, वो गपशप हो गई, वो खेलना कूदना घूम फिर के आ जाएंगे. अब्बा ने उसके सामने कबर खोदी, उसके सामने जो है वो गड्ढा खोदा, बेटी को बोला बेटा लेट जाओ. बेटी इज हैविंग अ कंप्लीट ट्रस्ट ऑन अल्लाह, यू फादर्स आर प्रोटेक्टर्स. और वहां पर जो है वो बेटी को उसमें जब गड्ढे में बिठाया लिटाया, मिट्टी फेंक के जिंदा दफना दिया. सो दैट्स नॉट ओनली द केस, ये फैक्ट्स हैं उस सोसाइटी के. उस सोसाइटी के ऐसे लोग जो बेटियों को जिंदा दफनाते हैं जिनमें शराब आम है, जिनमें कत्ल आम है, माल लूटना आम है, लोगों को ऐसे पकड़ के मारना पीटना है, गुलामों के साथ इतनी बदसलूकी है. उस जमाने के लोग प्रॉफिट के बड़े फैन थे. Why were they the huge fans of Prophet? Because they were like, यार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he is the man of morality. हमने इनको इस बदतरीन जमाने में भी, यानी कुरैश की बात हो रही है, इनको शराबों में नहीं देखा, इनको नशे में नहीं देखा, इनको इमोरालिटीज में जुल्म करते नहीं देखा, ना बद जबानी करते देखा, ना बद कलामी करते देखा. इतने बुरी हालत के लोग को पसंद कौन है? एक नेक आदमी. आज भी आप किसी करप्ट आदमी के पास चले जाएं, वो जी भाई फलाना जो है रिश्वत खोर है उसके पास जाए, वो एक नेक आदमी को देखे वही बिक जाएगा. नहीं सर, आपके तकवे अल्लाह ने जोर रखा है, ताकत रखी इस पे. तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर में, मैं ये बात तो आपको लिखवा दूंगा, समझाना मैं चाह रहा हूँ कि बार बार जब जवान लड़के लड़की से बोलो कि बेटे प्रेफर मोरालिटी, Do not go for immoralities. जिसको हम स्वयं का नाम देते हो, बच्चा ऐसा नहीं करो, गुनाहों से दूर हो, तकवा तकवा तकवा. कहते हैं सर जमाना ही ऐसा है, इस जमाने में झूठ के बगैर गुजारा ही नहीं है. तो प्रॉफिट आप जो जमाना देख रहे उससे खतरनाक जमाने की बात हो रही है, एज ऑफ इग्नोरेंस. सर जमाना इतना खराब है आजकल का, कहाँ सर गर्लफ्रेंड बच्ची के बगैर कहाँ गुजारा है सर. सर जिस जमाने की हम बात करें वो जमाना इससे खराब था. तो ये जो मोरालिटी वाली जिंदगी है ना, ये जो शफाफ जिंदगी है ना, किरदार वाली जिंदगी है ना, ये पॉसिबल हर जमाने में है सर. ये आप बहाने जो करते हैं ये बहाने हैं, जमाने का बहाना नहीं चलेगा. यहाँ पर जो है वो किसी भी हालत में, किसी भी दौर में जो है नेकियां फॉलो हो सकती हैं. इसने भी रिसाल में करके दिखाया. सो ही नेवर इंडल्ज्ड इन एनी सॉर्ट ऑफ इमोरालिटी एंड ही ऑलवेज प्रेफर्ड मॉरल प्रैक्टिसेस. और आपकी मोरालिटी आपकी शराफत की वजह से, किरदार की सच्चाई की वजह से आपको जो है वो सादिक और अमीन के अलावा सादिक भी पुकारा जाता था. लेकिन ही नेवर इंडल्ज्ड. In immoral practices, and always preferred moral values. And always preferred moral values, and immorality. हम इस पे बात करते रहेंगे. दानियाल भाई आप तो मसला बता रहे, वो मसला बड़ा है. सो दानियाल कह रहे हैं पुलिस वाले रिश्वत के बगैर नहीं सो छोड़ते हैं. तो भाई वो एक बार मैं हैप्पी पैलेस जा रहा था पढ़ाने के लिए, नखला से मैं निकला नहीं, हैप्पी पैलेस से जा रहा था नखला पढ़ाने के लिए. तो देर हो गई थी, आई वॉज रशिंग ऑब्वियसली, गाड़ी तेजी से लेके जा रहा था मैं. और उस दिन मेरे ख्याल से मेरे पास पेपर्स या मेरे पास NIC कार्ड नहीं था, पेपर्स से NIC कार्ड नहीं था, NIC नहीं था उसमें सी कार्ड ही है. तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो वो भाई साहब ने रोक लिया और कह रहे हैं कि यार थोड़ा मेरा ख्याल करो, ये करो वो करो. तो मैंने उसको बोला कि सर मेरे पास शनाख्ती कार्ड तो नहीं है, पैसे हैं, लेकिन जिसको आप मिठाई बोल रहे हैं उसको रसूल ने फरमाया है हराम.
और अल राशि वल मुर्तशी वाली मैंने उनसे रिवायत शेयर की, मैंने कहा ऐसे जो है वो दोनों शख्स जहन्नम में जाएंगे। तो सर आप मांग रहे हैं मीठा मिठाई बोल के, रसूल ने उसको रिश्वत फरमाया, सर मैं नहीं दे सकता। मैंने कहा सर मुझे पढ़ाने भी जाना है और मैं पैसे भी मैं अपने ईमान के हाथों मजबूर भी हूँ, आपके पास ताकत है, आप मुझे जेल में डाल सकते हैं, मेरी गाड़ी बंद कर सकते हैं और मेरा इससे कई ज्यादा पैसा ज्यादा का नुकसान हो सकता है, अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचा मेरी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी, लेकिन सर मैं मजबूर हूँ। मैं बिल्कुल उसके सामने एकदम साफ सी बात करके चुप करके बैठ गया, बाकी अल्लाह और उसके बीच में कि बस उसके दिल में क्या बात जाती है। बात थोड़ी देर तक वो मिठाई मांगता रहा, फिर कहने लगा अच्छा चलो तुम जाओ बस। तो कोशिश पूरी आप कर लें, लेकिन अगर नहीं मान रहा हो फिर आपकी जान फंसी हो, फलाना ढीमकाना है, फिर उसके अलावा दूसरे ऑप्शन जो एक्सप्लोर किए जाएंगे, लेकिन पहला ऑप्शन तो यही कि सर मैं ईमान क्या तो मजबूर मेरे से नहीं होगा। तो अल्लाह करे कि अल्लाह उसके दिल में डाले, क्योंकि जो भी बददयानत आदमी भी होता है ना, अंदर से वो इंसान होता है, दिल में बात उतर ही जाती है। अल्लाह बहुत बड़ी जात है और दिल पे काबू रखते हैं। तो आप बस कोशिश पूरी करें, अल्लाह की मदद आपके साथ रहेगी, कॉन्फिडेंस से उसको डील करें, बाकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है, जरूरी नहीं हर बार ऐसा हो। वो एक बार हमें अमेरिकन एम्बेसी के पास वो जो है वो वीजा लगा के आया अमेरिका का, बाहर निकला और खुशी के मारे मैंने एक रॉन्ग टर्न ले लिया। बस वो भाई साहब कह रहे हैं आपको भाई मिठाई भी देने के, वीजा लगा है तो मिठाई देनी पड़ेगी। मैंने कहा भाई आप चालान काट लें, मैं चालान भर दूंगा, मैं मिठाई नहीं दूंगा आपको। तो उसने मुझे बख्शा तो नहीं, वो ये बोल रहा था पैसे दो, मैंने कहा फिर आप चालान काट लें, पैसे तो नहीं आप चालान काट लें, मैं वो भर दूंगा, वो मैं पेनल्टी भर सकता हूँ, मैं आपका जो है वो आग से पेट नहीं भर सकता। तो क्लास खत्म हो गई है, हम लोग इंशाल्लाह आप कल मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल हम पढ़ेंगे इवेंट्स लेटर टू फर्स्ट सिविलाइजेशन। ये दिखा दीजिए क्वेश्चन, लाइबा अंसार वेरिटा स्कूल जो है वो ब्लॉक 4 में दो बिल्डिंग्स हैं, जूनियर कैंपस एंड सीनियर कैंपस। जूनियर कैंपस हाजी पकवान वाली गली में, डिस्को बेकरी के फौरन बाद, और उसके आगे आगा जूस वाले की गली आती है, उस गली से अंदर चले जाएंगे ब्लॉक 4 में, पटेल हॉस्पिटल के बराबर वाली बिल्डिंग वेरिटास का सीनियर कैंपस है। सुराका मुसलमान नहीं थे, हाशिम अदनान सुराका वॉज अ पॉलीथीस्ट, और जब सुराका की प्रॉफिट से मुलाकात हुई, बिकॉज सुराका ट्रीटेड प्रॉफिट विद जेनरोसिटी और प्रॉफिट ने उनको एक जो है वो लेटर ऑफ पीस भी लिख के दिया था, जिसकी वजह से हदीस में उनका बहुत जिक्र है, ड्यूरिंग द प्रॉफिट जर्नी ऑफ मक्का टू मदीना में पढ़ाऊंगा आगे, जर्नी ऑफ माइग्रेशन में बहुत डिटेल स्टोरी आई उनकी, लेकिन ही वॉज नॉट अ बिलीवर। हरमैन इमरान अपनी वर्कबुक में देखो बेटा, शीट्स 4 होनी चाहिए। हरमैन अगर उसमें 4 एक्स्ट्रा शीट्स नहीं तो आप अपनी वर्कबुक चेंज करवा लो बेटा। ऐसा कैसे हो सकता है आपके पास एक्स्ट्रा शीट्स में 4 पेज क्यों नहीं है भाई, ये कैसी बात कर दी तुमने यार, मैं तो डरा रहे हो। ये आगे एक्स्ट्रा शीट, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, आपके पास पेजेस कम कैसे हो सकते हैं? मुझे लग रहा है आपने गलत पेज देख लिया हरमैन, पेज 39 से लेके पेज नंबर 42 तक एक्स्ट्रा शीट्स हैं यार, ऐसे नहीं करो भाई। और अगर वर्कबुक में ये पेजेस मिसिंग है तो फॉरन कॉपी चेंज कराओ यार, आपने पैसे पूरे दिए तो आपको कॉपी से ही आनी चाहिए। सो अगर कोई मसला है वर्कबुक में, कैंपस विजिट करके अपनी वर्कबुक चेंज करवाए, एक्सचेंज करवा। हाँ, वलीद बिन मुगैरा वाज़ फादर ऑफ खालिद वलीद, यस यू आर राइट, वलीद बिन मुगैरा वाज़ हज़रत खालिद वलीद फादर, ज़ैनब ख्वाजा, एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड इज़ द सेम पर्सन हू ट्रेन्ड हज़रत खालिद वलीद एंड ही हेल्प हज़रत खालिद वलीद टू लर्न टू यूज़ द वॉर इक्विपमेंट्स एंड वॉर टूल्स। बिल्कुल सही फरमाया। अलसादी के पॉइंट्स दे देंगे, एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो उसमें एग्जाम्पल मिल गई तो लिख दी, हर पॉइंट की एग्जाम्पल नहीं देंगे, बी पार्ट छोटा सा होता है। Subhana Sayyid, because it was the age of ignorance, her daughters were considered as, cancer in society, and they were looked with extreme abhorrence and hatred, and people found daughters as burden, because betiyan badi hongi, to unko shadi karna, kharcha karna, ye sari cheeze, beta investment hoga, beta badi shaan banega, warrior banega, wrestler banega, poet banega, paise kama ke laega. Ye aaj bhi hai, unko bahut irrelevant baatein nahi ho rahi, aaj bhi bahut sare log aisa sochte hain, जो कि उनकी सोच को हम बोलते हैं कि जाहिलाना सोच है,
तो ये और उनको they considered they took daughters as an extra mouths to be fed. They considered daughters as a burden on their finance and on their funds. So in order to get rid of them and to you know lighten their burden, they used to kill their daughters. मोहम्मद तुराब बेटा जब आप नोट्स परचेज करते हो जो तो नोट्स के एक तो वर्कबुक परचेज किया आपने एक नोट्स है जब आप नोट्स परचेज करते हैं सर नोटबुक्स आपको मिल जाती हैं दोनों वो नोट्स का हिस्सा है। बहिरा का दूसरा नाम मोहम्मद सुभान है जुर्जेस JURJAIS जुर्जेस। कावा का जो अनकंस्ट्रक्टेड एरिया है यानी कि व्हिच वाज सपोज्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड एंड दे वर सपोज्ड टू बिल्ड अ वॉल फ्रॉम देयर टिल द एंड एंड द ऑल द एरिया शुड बी द इनर पार्ट ऑफ कावा शुड बी द इनर पार्ट कवर्ड एरिया पूरा कवर करना था लेकिन दे कुड नॉट डू सो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मनी और लैक ऑफ फंड्स और उसकी वजह से फिर वो जो इनर पार्ट जो खुला एरिया रख दिया गया है जिसको बाउंड्री और सेमी सर्कल बाउंड्री से उसको जो है वो मार्क किया है उसको हतीम बोलते हैं हुजरा इस्माइल। सो दिस इज द अनकंस्ट्रक्टेड एरिया जो कि उस वक्त लैक ऑफ फंड्स की वजह से कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। सेवेंथ को अनाउंसमेंट हो रही है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की अलिश्मा और उसमें वो बताएंगे कि आर वी इफ वी आर अलाउड टू यू नो ओपन द इंस्टीट्यूशंस और नॉट। तो 7th September वुड बी द बेस्ट डेट टू कमेंट ऑन दैट और उसके बाद पता चलेगा लेकिन ज्यादा चांसेस जो है वो खुल जाने के ही। अल हतीम काबे के बिल्कुल सामने की जो दीवार है आप अभी गूगल करो ना गूगल करके काबे को देखो वो जगह है जहां पर इमाम खड़ों के नमाज पढ़ाते हैं। अल हतीम को देखना है तो इमाम जहां खड़ों के नमाज पढ़ाते हैं कोई भी अभी जाके मुबाशरा चैनल खोलो ना उसमें देखो नमाज मगरिब जब होगी तो उसे इमाम साहब कहाँ खड़े होंगे इमाम साहब एक सेमी सर्कल के अंदर खड़े होंगे और जो नमाज पढ़ा रहे होंगे और वो जो है वो अल्लाह को भला करे काबे की तरफ मुंह करके तो नमाज पढ़ेंगे और कहाँ पढ़ेंगे डायरेक्शन तो किबला ही किबला तो हमारा काबा ही है ना तो अल हतीम के सामने तो काबे की दीवार है टच भी कर सकते हैं। ओहो होमवर्क देना ही भूल गया कल देता हूँ होमवर्क चलो कल होमवर्क देता हूँ। कैन हज़रत ईसा कंस्ट्रक्ट काबा तो आई डू नॉट नो लेकिन ऐसी कोई स्टोरी नहीं है ईसा का दज्जाल से एक एपिसोड बताया गया है वो सारी चीजें हैं लेकिन वाई वुड ही कंस्ट्रक्ट काबा व्हेन काबा वुड बी कंस्ट्रक्टेड। लेकिन ये भी बात है हमने रिसेंटली COVID-19 के दौर में सुना कि काबा और भी जो है वो टाइम्स ने रिकंस्ट्रक्ट किया उसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी या उसको तोड़ दिया गया था बनाया गया था। So if the building is going to be damaged, obviously repair your construct to hook it, you know. Nahin, Walid bin Mughira, Abhi Muayya bin Mughira, ek family se the ya nahi the, mujhe nahi maloom hai, lekin idhar koi connection nazar nahi aara, toh ke Mughira naam aara hai, par aisa kai baar hota hai, logon ke jo hai, wo second names jo hai, wo same hota hai, lekin zaruri nahi ki wo rishtedar ho. Bahira ka dusra naam Jurjais hai. मुस्तफा उनसे कहें कि नोट्स में बहुत सारी अपडेट्स हैं और अभी भी मैंने पूरे के पूरे हर पेज पे तकरीबन मैंने चेंजेस किए हैं और करेक्शंस किए हैं तो प्लीज उनसे कहें कि अपनी दोस्त से कहें कि नोट्स बाय कर लें प्लीज। फिर वो एग्जाम गाइड जब आएगी तो भी परेशान होंगी थोड़े से चेंजेस आएंगे पेज नंबर के एडिशंस भी हुए हैं तो फिर वो परेशान होंगी। तो मैं हर साल ही करता हूँ अभी मैंने काफी सारा काम किया है 2 weeks ही हुए हैं इस बात को अब क्योंकि रविदास के नोट्स एक साथ जो है वो प्रिंट पे जाते हैं तो उससे पहले मैं सारी वर्किंग करके बैठ जाता हूँ। ठीक है मैंने मेरे नजर से नहीं गुजरा हो सकता है सुराका लेटर एक्सेप्टेड इस्लाम लेकिन आई जो द मोस्ट पॉपुलर थिंग इज द यू नो द पीस पेपर बिटवीन प्रॉफिट एंड सुराका बिन मालिक ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ माइग्रेशन उतनी आगे की सवाने हयात मैंने सुराका की नहीं पढ़े लेकिन आई विल सी एंड आई विल डबल चेक इट कि आप जो कह रही हैं उसमें सदाकत है कि नहीं तो मैं कल आपके साथ दोबारा डिस्कस करूंगा इस बात। नहीं व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट इब्राहिम खैरी मोनोथिस्टिक फेथ का मतलब होता है द पर्सन हु बिलीव हु वर्शिप्स अल्लाह और हु बिलीव्स इन अल्लाह अलोन। तो इफ अ पर्सन इज बिलीविंग इन वन गॉड एंड दैट वन गॉड इज शैतान तो स्टिल द पर्सन इज काफिर और मुशरिक ना तो मोनोथिस्ट नहीं कहेंगे उसको वैसे बाय डेफिनेशन तो मोनोथिज्म भी आएगा वो बिलीवर ऑफ वन गॉड और वन यू नो डीटी लेकिन सूरत हाल में वो मोनोथिस्टिक फेथ जिसे आप बोलते
मोनोथीस्ट बाय रिलीजन होगा लेकिन बाय फेथ नहीं आएगा. मोनोथीस्टिक फेथ तीन ही है, जुदिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम. कल पढ़ाऊंगा इवेंट्स रिलेटेड टू फर्स्ट सेलिब्रेशन. बहुत मुश्किल टॉपिक है. प्रॉफिट की 40 इयर्स की लाइफ को एक ही क्वेश्चन में समराइज करना होगा, तो कल आउटलाइनिंग वाला क्वेश्चन है. मोहम्मद तुराब क्लास से पहले बंडल लिया था. अच्छा, वो आपने बेसिकली एज एन एक्सटर्नल स्टूडेंट बाय किया मोहम्मद तुराब. कुछ स्टूडेंट्स मुझसे नोट्स बाय करते हैं, वो तो आपको महंगे भी मिले होंगे क्योंकि फिर हम 7,000 का या 6,000 का कंप्लीट सेट देते हैं, पर वो तो वो स्टूडेंट होते हैं जो हमसे पढ़ते नहीं है, तो उनको हम कंप्लीट सेट देते हैं. एक्सपेंसिव ज्यादा महंगा और ज्यादा पैसों के साथ उनको चीजें भी कम देते हैं, पाउच भी नहीं देते यूजली और उसमें नोटबुक्स भी नहीं देते, बस उनको बोलते हैं कंप्लीट सेट दीजिए अल्लाह हाफिज. तो स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको नोट्स में कोशिश करते हैं कॉस्ट मिनिमाइज की जाए और चीजें ज्यादा दी जाए. तो आप एक काम ये करो कि जिनसे आपने बाय किए थे, रजा भाई को ही कॉल की होगी आपने, रजा भाई को बोलो सर खुरम से मेरी बात हुई है, नोट्स का मैंने सेट बाय कर लिया, महंगा ही था, मैं क्यों नोटबुक के अलग पैसे दूं, तो आप मुझे प्लीज नोटबुक्स दे दें. तो रजा भाई आपको इंशाल्लाह जो है वो हेल्प आउट कर देंगे. जिनसे जिनसे आपने सेट बाय किया था उन्हीं के पास जाके मेरे रेफरेंस से बात करें, वो आपको सेट दे देंगे, दो नोटबुक्स दे देंगे. एएच की टाइमलाइन दिखा दें. ओके, ये आ गई एएच की टाइमलाइन. मोहम्मद नाहियान बेटा, एएच की टाइमलाइन आ गई आपके सामने स्क्रीन पर. मरियम फरहान बेटा, क्योंकि वर्कबुक नंबर वन तो हमने पढ़ी नहीं ना बच्चा अभी, वी स्टार्टेड फ्रॉम वर्कबुक नंबर टू एंड वी रिसेंटली फिनिश दैट एंड नाउ वी आर ऑन वर्कबुक नंबर 3A. सो वर्कबुक नंबर वन तो किसी ने नहीं पढ़ी है, उसके लिए तो आप छोड़ दो. अब वर्कबुक नंबर टू को कंप्लीट करने के दो तरीके हैं. नंबर वन, इफ यू आर ऑलरेडी हैव गॉटन द एक्सेस ऑफ माय टू, एक्सेस टू माय वन ड्राइव फोल्डर, उसमें तमाम रिकॉर्डिंग्स जो है उसकी मौजूद है, तो वन बाय वन ग्रेजुअली फ्री टाइम में उन रिकॉर्डिंग्स को पढ़ के एक टॉपिक कवर करके वर्कबुक को फिल करती थी साथ साथ. और अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, मुश्किल लग रहा हो, तो यू कैन ऑल्सो वेट कि हम व्हेन वी विल बी बैक टू द व्हेन वी विल स्टार्ट क्लासेस एट कैंपस इंशाल्लाह, तो फिर मैं इस पूरे चैप्टर का बैकअप दूंगा. वर्कबुक 3A आपने स्टार्ट शुरू से कर दी है, तो इसका मतलब ये कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा. तो या तो मैं सेपरेट बैकअप क्लास में इसको कवर कराऊंगा पूरी वर्कबुक को, या फिर जो है वो आपको मैं दूसरे सेक्शन, जब मैं नया सेक्शन स्टार्ट करूंगा, मैं कहूँगा बेटा इसमें आप शुरू की जो है वो 8 to 9 क्लासेस ले लें, उसमें इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू कवर अप योर मिस्ड टॉपिक्स फॉर वर्कबुक नंबर 2. जैनब खौजा, मैं यूजुअली तो फिजिकल क्लासेस की लास्ट 2 years से रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं दे रहा, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने उसको मिसयूज़ किया और मेरे कुछ उसमें स्टेटमेंट्स को कट करके उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज करके मिसयूज़ किया है, तो मैं थोड़ा डिस्करेज ही करता हूँ. लेकिन ऑब्वियसली आई विल सी यू, आई विल मीट यू, और फिर आपको देख के अंदाजा होगा व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू आर, और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे. तो व्हेन वी विल बी बैक टू द क्लासेस एट कैंपस, व्हेन स्टार्ट क्लासेस एट कैंपस, प्लीज हैव अ वर्ड विद मी, और फिर उसी वक्त देन एंड देयर डिसाइड कर लेंगे कि वेदर आई कैन गिव यू द परमिशन टू यू नो गो फॉर द वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और नॉट. ओए होए अलिजमा, क्या याद दिला दिया आपने, मैं क्लास से पहले उसको कॉल करने वाला था. थैंक यू सो मच बेटे, आपने याद दिला दिया. मैंने वो प्रिंटर को ऑर्डर भी नहीं दिया है, कल तक मैं इंशाल्लाह अवेलेबल करवाता हूँ उसको, मैं अभी ऑर्डर देता हूँ. थैंक यू सो मच बेटे, आपने याद दिला दिया नोट्स का मुझे. चलो अब हम कल मिलते हैं, ये सारे सवाल रिपीट ही हुए जा रहे हैं, कल बाकी सवालों का जवाब देंगे. नहीं हुदा, प्रॉफिट पार्टिसिपेटेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ काबा, आपकी टीचर ने आपसे गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की. जन्नत, अगर आपके पास रिकॉर्डिंग का एक्सेस नहीं है तो आई विल बी शेयरिंग आवर फोन नंबर टुमारो ऑफ आवर आईटी हेड मिस्टर जकरिया कमर, और वरना आपको कैंपस भी कॉल करके बात करो, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको एक्सेस मिलेगा, क्योंकि हर रोज हम स्टूडेंट जो नए आते हैं उनको ऐड करते हैं. और अब तो जीआर नंबर 41 है आपका, आप तो पुरानी स्टूडेंट है, तो आपको एक्सेस क्यों नहीं मिला हुआ,
तो आप प्लीज कॉल करें तौकीर भाई को, आप गुलशन कैंपस की स्टूडेंट है एंड ही विल बी हेल्पिंग यू आउट कि आपको कैसे वो एक्सेस मिलेगा। कोई ईमेल की कोई गड़बड़ आ रही होगी तो हो जाएगा मसला। अगर वर्कबुक में बाकी गड़बड़ है और लिख लिए तो हम एक्सचेंज करेंगे भाई, कोई मसला नहीं है। हर मैन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वर्कबुक में फ्लॉ है तो मैं भी कौन सा अपने पास रखूँ, मैं भी उठा के प्रिंटर को वापस करूंगा, रखो अपने पास भाई, खराब चीज बना के मत दिया करो। तो मसला नहीं है भाई अगर लिख लिया है, लेकिन जेन्युइन मसला होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप खुद ही फाड़ के आ जाए पेज। ठीक है बेटा, आप कल मिलते हैं, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।